कृष्णा, बाबा जाने दे पहलवान, तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है। यार शंकर, यार सन 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 48 में मैंने बीए पास किया और अब 50 चालू है, लेकिन अपन अभी तक बेकार हैं। कुछ न कुछ तो करना चाहिए ना, आओ चल के पिएंगे। लेकिन यार तेरे पास माल पानी है क्या? अबे तू घबराता काहे को है? ये ले, सेठ जगन्नाथ घास वाले का लेटर, बस समझ लो कि नौकरी मिल गई। अरे वाह यार शंकर, ये तू सेठ जगन्नाथ घास वाले को जानता कैसे? यार अब तुझे पूछेगा कि तू सेठ को कैसे जानता है, तेरे को मालूम नहीं अपना नाम शंकर है? चल पीने का बंदोबस्त करे। क्या बदतमीजी है जी? माफ करना भाई जरा। कुछ फिक्र नहीं, कुछ फिक्र नहीं, अपना दारू भाई है जी। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत माल। नवा नवा बाप मरा होगा, लेकिन यार शंकर ये काम अच्छा नहीं है। ये दया भाई दारू वाला एक नंबर बेकार आदमी है, अभी उसको कचरे के माफक बाहर फेंक देगा। आओ चलो उसकी मदद करें। चलो भागने की कोशिश की तो निशान लगा के शूट कर दूंगा। मेरा नाम कर्नल वजीर चंद है। मिस्टर जानी वाकर, लाओ मेरे नोटबैग। अबे जानी वाकर होगा तेरा बाप, मेरा नाम है मनोहर। और सुनो कर्नल साहब, बाप अगर कर्नल हो ना तो बेटा कर्नल नहीं होता। ये जाके वर्दी उतार दो और ये रुपया रखो और घर जाओ, समझे ना? अरे वेरी गुड, क्या दया भाई दारू वाला, आज तो हाउस फुल। लेकिन फ्री पास बिल्कुल बंद, समझे? अरे आज तो अपन गैलरी का टिकट लेगा। देखो जी, एक बड़ा लॉक, तीन बड़े लॉक जी। बहुत अच्छा जी, देखिए ना, जब आपके टेबल पर बैठे हैं तो हमारा माल आपका माल। मेरी तकदीर आजकल बहुत जोरों पर है। हाँ जी बिल्कुल जोरों पर। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए उठाइए। सेठ पकौड़ी मल, सेठ करोड़ी मल। ओ सेठ करोड़ी मल जिंदाबाद। करोड़ी मल जी, मालूम होता है आप भी हमारी तरह बहुत बड़े रईस हैं। मेरी 50,000 की लॉटरी निकली है। अच्छा 50,000 की? सेठ जी आप रहते कहाँ हैं? मैं बोरी बंदर। हम भी वही। अरे वेरी गुड बॉय, तीन डबल। और कौन सी बिल्डिंग में? अमीना बिल्डिंग। हम भी वही। अरे वेरी गुड बॉय, अरे तीन डबल और लेकर आ। कौन से माले पर? तीसरे माले पर। हम भी वही। अरे वेरी गुड बॉय, तीन डबल और। कौन से नंबर फ्लैट में? 10 नंबर फ्लैट में। अरे हम भी 10 नंबर ही हैं। भाई तीन डबल लाओ। पिताजी, मेरे बच्चे। पिताजी 50,000 में से कितना माल बचा है? माल बचा है, अरे सब बिक गया हूँ। अब तो सिर्फ 200 रुपया बचा है। बैठ जा बैठ जा, अब तो दूसरी लॉटरी का इंतजार है। बाय बिल ला बिल। शंकर, अपन लोग बोरी बंदर रहते हैं कि नागपाड़ा? नागपाड़ा। सेठ जी हमारे से गलती हो गई थी, बॉय बिल लाओ। शंकर बिल चुका दे, मैं देता। जी ये भी तो आप ही का माल है। जा बाकी बख्शीश। बाकी बख्शीश जय राम जी। ओके तेरा सेठ करोड़ी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तू पीछे आना। आज लाला भी बदली हो गया। लाला बदली हो गया? हाँ। और यार उस तेरे भाई को समझा, अपने को तो बिल्डिंग से बाहर निकलने की बात करता है। अरे मेरा भाई तो मुझे भी घर से निकलने को बोलता है भाई। अच्छा, कल नौकरी मिल जाएगी ना तो वो भी खुश हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। कैसा मिस्टर मनोहर, ला मेरे नौपैक। अबे मनोहर होगा तेरा बाप, मेरा नाम जानी वाकर है। ये ले चल, दो पैक तू भी चढ़ा ले। चल मनोहर की तरह तीन माले वाला। मनोहर तुमको नहीं मालूम, आजकल पूरा चाली जानता है मनोहर का। हमारा दोस्त एकदम खड़ा खलास, पीछे तो को आता रहेगा। अच्छा जाओ सो जाओ, इधर नहीं अपने कमरे में जाओ, उधर जाओ।
खुल जा समसम, खुल जा समसम, खुल जा समसम। वही वही दीवाना, इस तरह बोलने से फाटक किधर खुल जाएगा? अली बाबा ने इतना बड़ा फाटक खोल दिया तो क्या हम इतना सा फाटक नहीं खोल सकते? वही वही जिंदगी से बेगम इंसान, तुम्हारा क्या नाम? मनोहर है? कौन मनोहर? वो बुजदिल, उसको तो बाटली में डुबा दिया भाई को। बाटली में पूरा इंसान दाखिल किया? किस तरह? तुम मदारी लोग को नहीं देखा है क्या? अरे इतना बड़ा बड़ा अंडा उतार देता बाटली में तो हम आदमी नहीं उतर सकते क्या? शाबाश जादूगर, तुम्हारा नाम क्या है बाबे? हमारा नाम जॉनी वॉकर, ऑल इंडिया जानता है। तो मनोहर नहीं दूसरा आदमी है? चल यहाँ से बेचो। ए लला मुंह संभाल के बात करो, नहीं तो फाटक निकाल कर दूसरा बिल्डिंग में लगा देगा, तुम्हारा नौकरी भी गुल हो जाएगा। हो जाओ शराबी सैंडो, वगरना हम बाहर आएगा तुमको नाबूद कर देगा। ए, नाबूद को अमरूद का भाई हुआ, ये क्या कोई फल है नाबूद? हट जाओ फल का बच्चा। इस बुढ़िया के कमरे में से निकल के अपने कमरे में घुस जाएंगे, ये तरकीब ठीक है। क्यों खिड़की है ना? इलायची निकाल, इलायची। ये बिल्डिंग का धनी भी अजीब है, भाड़ा तो हर महीने ले लेता है और चौकीदार हर हफ्ते बदली कर देता है। कमाल है भाई, कमाल का बाप है। आप चलिए तो कदम बढ़ाइए। मैं चलता तो हूँ मगर आपके बार बार मुझे हिला क्यों रहे बाटली की तरह? क्या बात क्या है भाई जी? कुछ नहीं, नहीं कुछ क्या नहीं है। चाल में गड़बड़ है तुम्हारे, चलो चल के दिखाओ तुम हिलते हुए चल रहे हो। चलो बाकी गड़बड़ इधर आई तरह इधर कैसे चले, एकदम सीधा चलने की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तू फिर पकड़ के मेरे को हिलाता है। बैठ इधर, इधर बैठ के देख जी। अब ऊपर बैठ नालायक, ऊपर बैठ। सोफा किस लिए है? क्या बात, ये बात बिल्कुल ऐसे बैठो। हाँ तो मैं ये कह रहा था तुमसे सेठ के अब उतार नीचे नौकर के बच्चे सेठ बनता है नालायक सेठ का। चलिए चलिए, किधर चले? कमरे में आपका रूम इधर नहीं, आपका रूम इधर है। पहली बार मिस्टेक हो रही थी, क्या निकल गई। बहुत अच्छी, तेरा जवाब नहीं है। ये क्यों हिलाता क्यों है तू मेरे को? मैं नहीं हिलाता। तू नहीं हिलाता और जब मैं भी नहीं हिल रहा तो फिर ये क्या बीच में थर्ड पार्टी कौन सी हिला रही है जो आप दोनों को? मनोहर मर गए, मर गए।
ये तूने नीचे गड़बड़ मचा रखी थी? जी वो मैंने कोई गड़बड़ नहीं मचाई, वो पठाने ने नवाज चौकीदार, ये सब उसकी गड़बड़ है। भाभी मुझे फुग्गे के वहां पर उसने ऊपर उठा लिया, पता नहीं क्या खाते ये लोग, कमाल ताकत होती है। नहीं आज तेरे मुझे फिर शराब की बुआ रही है। भाभी हाथ हटा के बात करूंगा तो आएगी, ये देखो अब नहीं आएगी, नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती ना। वो गलती ये हो गई कि मुंडू को दुआने दिया था कि इलायची लेकर आना, इलायची खुद खा गया और मुझे ये हाथ रखने की मुसीबत चालू रखना पड़ी। जरा धीरे बोल, जाके सो जा। मनोहर तू ये आधी रात को कहाँ से आया है? भैया वो लेटर लाने का तरह सेठ जगन्नाथ घास वाले से वो नौकरी का कल्याण तबेले में जाके मिला। कल्याण का तबेला? आ वो हाजी मलंग के पार के पास है ना, अपना अपना वो हाजी मलंग का पार। नौकरी के लिए बेचारा कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है, जा अब जाके सो। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे तू झूम क्यों रहा है? वो बात ये भैया की, एक बाबा ने बोला कि झूम बेटा तेरा काम बन जाएगा, जब से ही झूम रहा हूँ मैं। कैसी बातें कर रहा है, मालूम होता है भांग पी के आया। अरे नहीं थका हुआ है, उसे इतनी देर तक जागने की आदत कहाँ है। भगवान करे नौकरी मिल जाए तुम्हें, तुम्हें शुलक। नौकरी तो समझ लीजिए कि मिल ही गई 500-600 रुपए की, क्योंकि सेठ जगन्नाथ घास वाला इतना धांसु आदमी है कि उसके अकेले की वोट से आदमी म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बन सकता है। क्यों नहीं, सिफारिश में बहुत ताकत होती है, लेकिन देखो तनख्वाह पे न अटकना, 100-150 की भी मिल जाए तो नौकरी कर लेना। आओ बाबा लो 200-250 यही कम कर दिए भाई ने तनख्वाह में। रूदिन, रूदिन। बाबा तुम जाओ, आज हमारा बाबा लोग जरा देरी से जाएगा। अच्छा। चुप रहो फरहा डार्लिंग, तुम बच्चा लोग को समझाओ। बालक स्टेला, तुम्हारा डैडी के पास पैसा नहीं, तुम मास्टर को बोलो कल फी देगा। नहीं मम्मी, हम डैडी के पास 30 रुपीज देगा। सच्ची साइमन? वो 30 रुपीज दूसरे का होता, उसको दे दिया। हमको मालूम छोकरा लोग सच्ची बोलता साइमन। बताता हूँ डार्लिंग, कल एक बाबा हमको चीट किया, 20 रुपए का जो खेला हार गया। और दूसरा 10 रुपया? वो 10 रुपया? 10 रुपया वे अल्लाह, हम तेरा पास आना को मांगता, मेरा हाथ पकड़ो। नीचे आओ अब डाल एक फरहा, नीचे आओ, एक चांस दो, वल्लाह अभी न सट्टा खेलेगा न दारू पिएगा। तुम हमेशा ऐसा बोला साइमन, हमेशा मेरा सब दागिना जेवर बेच दिया, खाली ये रिंग बाकी थी, ये भी लो जुगाड़ खेलो, दारू पियो, कुछ भी करो। You idiot! मम्मी! अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। जरा ठहर मनोहर, ये रात तो फिर पी के आ गया था। भूल हो गई भाभी, वो नौकरी की तलाश में तेरा भेजा गर्म हो गया था। तो इस तरह पीते हैं? नीचे पठान से झगड़ा और फिर भाई के सामने बकबक शुरू कर दी। उफ़ो, डबल पार्टी से चिक चिक हो गई क्या? भूल हो गई भाभी, धुन की में ऐसा हो जाता है, लेकिन आज के दिन से दारू एकदम खलास। हाँ, ऐसे वचन तो तू रोज देता है। लेकिन भाभी आज का वचन तो 100% पक्का। मैं तो तब समझूंगी जब तू शराब छोड़ देगा, तेरी नौकरी लग जाएगी और तेरी दुल्हन आके घर संभालेगी। भाभी शराब तो मैंने छोड़ दी समझो, और नौकरी वाला आइटम आज पूरा कर देता हूँ। और दुल्हन वाली बात? भाभी 3 सवालों में से जो 2 का जवाब दे देना उसे 5 समझना चाहिए। टाटा शैतान। हेलो, यस, हू स्पीकिंग प्लीज? ओ मिस्टर सैगन, हाउ आर यू? यस, आई हैव ऑलरेडी गिवन द मैसेज। यस, द डे आफ्टर टुमारो। ओके, ए मिस्टर, इधर नाम काय के लिए लिखा? तुम कंपनी का नौकर है? नौकर होना कौन सी बड़ी बात है, जरा मैनेजर से मिल के आने दो फिर बताता हूँ। तुम्हारे पास नौकरी का लेटर है? हमारे पास ऑर्डर है, सेठ जगन्नाथ घास वाले का ऑर्डर। सेठ जगन्नाथ?
ये घास वाला तुम तबेले में कभी गया नहीं? तुम नहीं समझेगा, बहुत ऊंचा आदमी है। खैर तुम ये बताओ कि मैनेजर का नाम क्या है और वो महीने को पगार कितना लेता है? ए मिस्टर, आप सीआईडी वाले हैं या इनकम टैक्स से आए हैं? ये घूर घूर कर क्या देख रहे हो? एक्सक्यूज मी, हम एक टाइम पर दो औरत लोग से बात नहीं कर सकता। आपकी तारीफ? ये मिस चंद्रा, मैनेजर का प्राइवेट सेक्रेटरी। ओह आई सी, घबराने की जरूरत नहीं, मैं प्राइवेट काम से नहीं बल्कि नौकरी के लिए आया हूँ। नौकरी के लिए? और तनख्वाह पूछता मैनेजर की? वो इसलिए मैडम कि अगर मैनेजर ही को 250 मिलते हो तो वो 500-600 का आदमी क्यों रखने लगा? ये शक्ल और नौकरी मांगता 500-600 रुपए की। शक्ल बुरी है क्या? कुछ परवाह नहीं, शक्ल का बात पीछू करेंगे, हम रिश्ते का वास्ते नहीं आया, हमको जरूरत भी नहीं। वेल उसको क्या तकलीफ है, मैं खुद देख लेता हूँ। टाटा। ए मिस्टर, तुम अंदर नहीं जा सकते, गेट आउट। मिस चंद्रा को छोड़ के बात की जाए, 27 रुपए गज का है। मिस चंद्रा। यस सर। क्या गड़बड़ है? सर कोई थर्ड क्लास आदमी ऑफिस में आके दादागिरी करता है। कौन है, क्या चाहता है? नौकरी, और वो भी 500-600 रुपए की। किसी का लेटर लाया है सर। लेटर? किसका लेटर? सेठ जगन्नाथ घास वाला जी का। सेठ जगन्नाथ घास वाला जी का? जी, आपके लेडीज डिपार्टमेंट ने मुझे इस तरह हैंडल किया है जिस तरह हम आल कोली को। ये टेलीफोन पे जो लड़की बैठती है उसका क्या नाम है? मिस ग्लोरी। ओह, आप मुझे तशरीफ रखने के लिए कहिए ना। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आई स्टैंड। ये अपने सेठ जगन्नाथ के आदमी है। फुल नेम प्लीज। सेठ जगन्नाथ जी घास वाले। मगर लड़की है बड़ी गुस्से वाली लेकिन अच्छी है। मेरा मतलब है काम भी अच्छा करती होगी, मेरी सिफारिश से तरक्की का चांस हो सकता है। तरक्की का चांस हो सकता है। हो आप जगन्नाथ जी को? फुल नेम प्लीज। आप सेठ जगन्नाथ जी घास वाला को? 1939 से जानता हूँ। अच्छा। उधर हिटलर ने यूरोप में जंग चालू की और इधर हम दोनों ने इंडिया में दोस्ती। और सेठ जी ने आपको कुछ कहा है? पगार के बारे में भी कहा है। 600 रुपया, अगर शेर आता तो 500। 600? जी हाँ, वैसे अगर बात बाहर नहीं जाए तो 150-200 की भी चलेगी। इकन्नी ने सब गड़बड़ कर दी, एक बात फिर ट्राई करता हूँ। शेर, बबर शेर, 500 की चलेगी। I'm sorry. फिलहाल तो यस मिस चंद्रा। यस सर। तुम थोड़ी देर बाहर रहते तो क्या हो जाता? मैं बाहर आ ही रहा था। What? खैर कोई बात नहीं, मैं सेठ जी को, सेठ जगन्नाथ घास वाला जी को। मिस चंद्रा। यस सर, मैं ऑर्डर सरदर एस्प्रो। मिस मनोर, आई एम सॉरी, आप मिलते रहिए, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। कभी ना कभी तो। अच्छा, थैंक यू, बाय बाय। मालूम होता है तुम्हारा मैनेजर लड़की लोग पे बहुत मेहरबान है। नहीं शराब, तुमको काम नहीं मिला फिर ज्यादा भाई को नहीं? हमारा कुछ खो गया है। तुम दिल का बात करता? दिल का? हम ऐसा थर्ड क्लास लोकेलिटी में अपना दिल देने के वास्ते नहीं आया। हमारा तो हमारा तो फाउंटेन पेन खो गया है, वो देखता था। हाँ ऑल इंडिया में एक ही नग था। अरे ये अभी तक यही है, बेचारा का फाउंटेन पेन खो गया। हाँ। ये और बेचारा, देखना अभी कुछ ना कुछ लेकर भागेगा। मैडम अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा इसलिए कि मैं कंपनी का नौकर नहीं, और फिर ये थर्ड क्लास चीजें लेकर भागेगा कौन? उसको देख ले, ले दो, होएगा मिल जाएगा। अब क्या मिलेगा साहब, बड़ी सफाई से हाथ मारा है, मैं भी कहाँ पाकिट मारू के दस्तर में आगे फंस गया। तुम यहाँ से अपने आप जाओगे या दो चार आदमी बुलवाऊं? थैंक यू, दो चार नहीं, 4-6 बुलवाइए, मुझे फर्नीचर हटा के देखना है। मैं समझता हूँ वो कॉर्नर में हुआ तो होगा। ओह ए मिस्टर, हमारा कसूर माफ करो और जाओ यहाँ से। अच्छा माफ किया, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अपना एड्रेस लिख के जाऊंगा, मिले तो भेज देना या लेकर आ जाना। अच्छा
थैंक यू। लो मिस्टर मुरली मनोहर बी ए नियर नागपाड़ा खड़ा पाती स्टैंडिंग कपूर बिल्डिंग थर्ड फ्लोर। मुझे उम्मीद है आप जरूर तशरीफ लाएंगी। टाटा टाटा, कैसे जंगली आदमी से पाला पड़ा है, मेरे तो सर में दर्द होने लगा। मेरे को तो अच्छा लगता है उसका मस्करी का बात। तभी उसके सामने मटक मटक कर चल रही थी, तेरी वजह से वो चिपक गया था। ये गुस्से की बात है, जरा दिल का बात करो। क्या बोलता? बोलता तेरा स्तर। जा जाकर चाय मंगवा और एक एस्प्रो भी। ओके। अरे मेरा पेन, वही लिख रहा था, वही ले गया होगा। पेन? हाँ, तुम बहाना करता मेरे को मालूम। तुम दोनों ने अपना लव का निशानी एक्सचेंज किया। ओ शराब, अब सोचो कि किया क्या जाए। ओ उसका एड्रेस। अब पेन मिल जाएगा। तो भी बुलाने से आएगा क्या? उसका बाप भी आएगा, तू देख तो। ऐसा खत लिखती हूँ कि वो समझेगा नौकरी मिल गई है और यूं आएगा। और दूसरा बात? दूसरा बात ये लिखूंगी कि पॉन की ग्लोरी तुम्हारे लिए तड़प रही है। शिवराम आया मिलता। बाबूजी एक कहने का सवाल है बाबू, तुमको भगवान देगा। अरे वाह, मैं तेरे को दूं और भगवान मेरे को देवे तो तू डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता है, मुझे क्यों बीच में डालता है? अच्छा एंगल मारते भालो खजक। तू फिकर मत कर मनोहर, कल फजर मैनेजर को फोन मारता हूँ। मैनेजर तेरे कुर्सी घर पे ना भेज दे तो अपने को बोला। अरे क्यों बंडल मारता है यार, नौकरी नहीं मिली तो कुछ परवाह नहीं, पीने को तो मिलता है ना। शंकर हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना ये जो मुझे शराब पीने की आदत पड़ गई है, ये सब गड़बड़ इसी की वजह से है? क्या ठोकता है यार, सब आदमी जो बेकार तो क्या सब शराब पीते है? ये तो अपन लोग तिगड़म कर लेते हैं क्या? कुछ भी हो यार, फिर भी ये चीज अच्छी नहीं है। मुझे नौकरी मिल जाएगी ना तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तू नहीं छोड़ेगा? मैं छोड़ दूंगा, मैं बोलता हूँ ना तू नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं सही, लेकिन इन सब की छोड़ा दूंगा। भाइयों आज आजादी का दिन है और हम लोग सब भाई भाई हैं। आओ हम लोग सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम लोग कल से दारू को, मेरा मतलब है शराब को, मुंह नहीं लगाएंगे। और इस खुशी में आज दया भाई दारू वाला हम लोगों को मुफ्त पिलाएगा। ए भाई मेरे पेट में क्यों डाल पड़ता है? मत लगा चीज है बुरी, देख बच जरा चीज है बुरी, छोड़ दे ये मैं कशी मेरे हम नशी मेरे हम नशी। अरे बात मत बढ़ा छोड़ दिल लगी, होश कर जरा छोड़ दिल लगी, झूठ बोलता है तू मैंने पी नहीं मैंने पी नहीं। Ra 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 ru ra 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 ru
ये दगा फूंक देगी घर, देगी ये दगा फूंक देगी घर, मुझसे ना सही पर खुदा से डर, मुझसे ना सही पर खुदा से डर, वो गुनाहगार है जो पीले आदमी, मुंह से मत लगा चीज है बुरी, छी 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 देख बच जरा चीज है बुरी, छोड़ दे ये मैं कशी मेरे हम नशी, मेरे हम नशी, मत झगड़ अपनी राह ले मुझसे मत झगड़, तोड़ दूंगा दिल मुझसे मत अकड़, तोड़ दूंगा दिल मुझसे मत अकड़, अरे खाली पीली छेड़ भी है याद रख बुरी, ओए बात मत बढ़ा छोड़ दिल लगे, होश कर जरा छोड़ दिल लगे, झूठ बोलता है तू मन भी नहीं, मन भी नहीं, देख सामने हवलदार है, देख सामने हवलदार है, कर पकड़ लिया बेड़ा पार है, कर पकड़ लिया बेड़ा पार है, जेल में कटेगी फिर तो सारी जिंदगी, मुंह से मत लगा चीज है बुरी, देख बच जरा चीज है बुरी, छोड़ दे ये मैं कशी मेरे हम नशी, मेरे हम नशी, जानता हूँ मैं पहरेदार है, वो जानता हूँ मैं पहरेदार है, बचपने का ये अपना यार है, बचपने का ये अपना यार है, डरने वाला मैं नहीं हूँ आए कोई भी, ओए बात मत बढ़ा छोड़ दिल लगी, होश कर जरा छोड़ दिल लगी, झूठ बोलता है तू मन भी नहीं, मन भी नहीं, ए मुंह से मत लगा चीज है बुरी, देख बच जरा चीज है बुरी, छोड़ दे ये मैं कशी मेरे हम नशी, मेरे हम नशी। थोड़ी देर क्या बात
टर्की का एक भी ले ले, फिर अपने को टाइम नहीं मिलेगा। उधर क्या देखता है और बेटा और मर गया क्या? वो क्यों मर गया? ओ पुलिस लाला, ओ लाला, वो मालूम होता है इसको भी किसी ने लुढ़का दिया है। लाला, इसने कभी किसी का खून किया हो तो मालूम होना कि कितनी जल्दी होती छुपने के लिए। क्या करूं, खिड़की से जलो। मुंडो, ए मुंडो का बच्चा। इलायची हूँ क्या? अबे इलायची नहीं, अंदर चल, खत्म हो गया है। अबे छोड़, इतना बड़ा केस का तेरी इतनी सी इलायची संभाल लेगी? चल कमरे में जाना दे। पकड़ता है कोर्ट, छोड़, मैं कहता हूँ 27 रुपए वार का, इसी पर से तो एक लड़का कराया हूँ। मनोहर, मनोहर क्या बात है? कोई खास बात नहीं भैया, एक मामूली सा कत्ल हो गया है। कत्ल? हाय राम। किसका? कहाँ? अरे वो कर्नल का बच्चा, चेतन चौकी वाला, वो गोल निशान बना कर रखता है ना इधर छाती के ऊपर, वो गोल बगीचे के पास पड़ा है फ्लैट होके। भाई झगड़ा हुआ था? मामूली बात थी भैया, मैं बोला नो पैक बाद में दूंगा, नहीं माना मौत लिखती हो तो बहाना बन जाता है। नहीं क्यों बे, तूने शराब पी है? उसने कोई मुझसे कम थोड़े पी थी भैया, कहीं कत्ल तूने तो नहीं किया? कमाल है तुम्हारा भी भाभी, भैया जिसके साथ झगड़ा होगा वही तो कत्ल करेगा ना, कोई दूसरा करेगा? बे सच बोल। 27 रुपए वार का है। 27 का बच्चा, ये बता कहीं नशे में तो नहीं पकड़ा? भैया नशे की बात ही नहीं, आपके लिए तो बकवास मालूम हो रही है, किसी की जान चली गई है। कमल है, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? भाभी मैं कोई इतना बुद्धू सबके सामने मारता, लाइन क्लियर देख के उड़ा दिया। गोल बागीचा मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैं कहती हूँ कहीं मनोहर पे बात ना आ जाए, इसे छुपाना ही ठीक है। जुर्म छुपाने से और ज्यादा संगीन हो जाता है, और फिर शराबी की बातों क्या एक बार? मगर सुनो तो। क्या हक सुनूं? छोड़ दो मुझे। भैया कहाँ चले? चलो हटो, मुझे जाने दो। भैया अभी जाके क्यों टाइम खराब करते हो, सुबह अखबार में तो बोमा बोम आई जाएगी, पढ़ लेना ना। अच्छा जल्दी भैया चलो। भैया मेरी नहीं तो भाभी की बात मान लो, वो भी आने के लिए मना करती थी। चलो वापस। बट मत भैया, वो है कर्नल की लाश। अरे तूने तो वाकई में खून कर डाला मनोहर। फिर क्या, तुम तो मानते ही नहीं थे भैया, कत्ल वतल के मामले में अपन झूठ नहीं बोलते। अरे जरा सोचा तो होता कि इसका अंजाम क्या होगा। इतना टाइम ही कहाँ मिला, इधर बात हुई उधर बड़ी, इधर बॉक्सिंग चलो उधर डेढ़ ढाई मिनट में भैया फिर चले। क्या करो, अभी किसको मालूम है कि खून मैंने किया है, और फिर इसके पास सबूत है भी क्या, ये कर्नल का बच्चा कोर्ट में क्या कर लेगा अपना? तुम समझते हो सबूत नहीं, लेकिन वक्त आने पर खून अपना तो वो खुद मुहैया कर लेता है। भैया और नजदीक जाना अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ भाग चलो। भागने की कोशिश की तो निशाने लगा के शूट कर दूंगा। जिंदा है, कहीं भूत नहीं बन जाओ भैया, नशे में मरा था। तो तुम दोनों ने शराब पी रखी है? नहीं नहीं, मैंने नहीं, इसने पी खाली। खामोश, चल घर। हॉल्ट का बच्चा अपना रास्ता ले, चल घर, चल घर। अरे मगर वो बच्ची है तो बड़ी खुशी की बात है, मिठाई बांटना चाहिए, मारने की क्या जरूरत है? मिठाई बांटना चाहिए? अभी बांटता हूँ मिठाई। हलकट बना था कर्नल का, हलकट बने के बच्चे, अभी बताता। भाभी, भाभी क्या इसे सच में खून किया? आज नहीं किया है तो कल करेगा, शराबी को खूनी बनते क्या देर लगती है? अच्छा आप जाने दो, रात का वक्त है, लोग तमाशा देखेंगे। तमाशा तो तुम देखना कल से, जब सारी बिल्डिंग में हमारी नेकनामी के ढोल बजेंगे। ढोल बजेगा कैसे, मैं पहले से एक ढोल फोड़ डालूंगा। अबे फोड़ ले के बच्चे। क्यों बे, तू तो मुझसे कहता था भैया मैं नौकरी के लिए पुणे गया हूँ, हाजी मलंग गया हूँ, खास वाले के तबेले गया हूँ। अबे जिस भाई ने लिखाया पढ़ाया पाला पोसा उसकी आंखों में धूल झोंकता है। मगर इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? गलती के बच्चे मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरी आंखों में खून कर रहा है, मैं कुछ कर बैठूंगा। तो पहले क्या कंपनी लफड़ा हो गया? तो सही, जाने भी दो, इतना भी गुस्सा किस काम का, मान आ के उसे नशे में कुछ हो गया है। कुछ हो गया है? चोरी चोरी उसे पैसे देकर शराबी बनाने में जितना तुम्हारा हाथ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो तो क्या हुआ, और भी तो पीते हैं। तो मैं...
अबे बंद कर ये लफड़ा, क्यों रात की पिटाई याद दिलाता है? साहब अंडे फ्राई करूं या फर्स्ट रेट ऑमलेट बनाऊं? पको मत, और सब कहां है, बुलाओ उनको। जी बुलाता हूं। चलिए मनोहर बाबू, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट दिया गया है। A1। शट अप, आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। हम भी नहीं करेंगे। मालूम होता है सबकी भूख हड़ताल है, मैं भी नाश्ता बाहर खाऊंगा। सलाम साहब, आपका नौकरी पक्का हो गया और पगार पन जास्ती होएगा। क्या पक्का है? पक्का नहीं हो साहब, मेरे को चंद्रा भाई ने भेजा आपके पास, मिस्टर मुरली मनोहर दिए खाना पार्टी। मुंडू बाबा, मुंडू इनका मुंह मीठा करा। हाँ जरूर, बहुत बेहतर। बाबा तेरे चाचा के नौकरी लग गया है, किसी चाचा को देखिए। बैठ जाए इधर, नौकरी नहीं चाहिए। अरे साहब नौकरी बहुत फर्स्ट क्लास है और पगार पन जाती होगा। मेरी चंद्रा मैम साहब ने आज के वास्ते बहुत ट्राई करके नौकरी ढूंढा। बोल तो मैम साहब को नौकरी नहीं चाहिए, चल उठा। घराई लक्ष्मी को ठुकराता है, कल तक इसी नौकरी के पीछे धक्के खा रहा था और आज खुशी का मुँह देखा है तो कहता है नौकरी नहीं चाहिए। चल दस्तखत कर, ले दस्तखत कर। पेन है मेरे पास, ला। उठा। है? देखा, आप तो सेठ जगन्नाथ घाट वाले को आदमी का बच्चा ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। अरे मैं तो कहता हूँ वो अगर चाहे तो मुझे वोट देकर म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बना सकता है। मान गए भाई मान गए। आज मेरे मनोहर की नौकरी लग गई, लो ये तुम्हारा इनाम। मुंडू ले पैसे, मिठाई लिया, सारी लाल में बांध दे और पठान को भी 2 रुपए जरूर देना। लो ये चाबी, अब तुम बड़े आदमी हो गए हो ना, आज से गाड़ी में जाना। ओके अंकल, मेरी साइकिल। साइकिल भी लो, ये 100 रुपए लो और बाबा को साइकिल भी दे। ओके हटो जी, हमने देख लिया प्यार का नतीजा। चोट से ऐसा तो नहीं आई? जी नहीं, चोट क्यों आती, बड़े प्यार से मारा था ना। शोभा अब तुम ही बताओ, शादी से आज तक 8 साल में कभी मैंने तुम पर हाथ उठाया? चलो मुहूर्त तो कर दिया, अब पिछली कसर भी निकाल लेना। शोभा जब पाप से पछतावा पड़ जाए तो माफ कर देना चाहिए। हर चीज को बाप का माल समझता है, आने दो आज, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मैम साहब क्या हुआ, घर का पता नहीं मिला? कैसे नहीं मिलता, वो तो एकदम नामचीन आदमी है। नामचीन? हाँ, उसका हाई क्लास प्लॉट है 3 माले पे, वो अभी मोटर में आते ही होगा। क्या कहा, मोटर? नहीं तो क्या, अरे उसको तो नौकरी मांगता ही नहीं था, लेटर फेंक दिया नहीं तो। बाद में एक भाई आया, चाटा मारकर जबरदस्ती साइन लिया उसका। भाई? मेरे को चाय मिठाई और 2 रुपया बख्शीश दिया। मगर तुमने ये तो नहीं कहा कि नौकरी लग गई है? काहे को नहीं, हम तो बोला कि नौकरी लग गया और पगार पन जास्ती होएगा। फिर क्या, सब लोग खुश हो गया, अक्खा बिल्डिंग में मिठाई बांटने के वास्ते बोला, पठान लाला को बख्शीश दिया, नौकर लोग का पगार जास्ती कर दिया, छोटा बाबा का 1500 रुपए का साइकिल लाने को बोला। बहुत खर्चे वाला घर दिखता है बाबा। वो मर गए, अब क्या होगा? क्या हुआ मेहता? अब कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। अभी वो आएगा, क्या मालूम क्या लफड़ा करेगा। मैं लफड़े से नहीं डरती ग्लोरी, लेकिन जिस घर में नौकरी की खुशियां इतनी ज्यादा मनाई जा रही हैं, वहां इसके लिए आंसू भी ज्यादा ही बहे होंगे। वो लोग जब सुनेंगे ये सब मजाक था तो ना जाने उनका क्या हाल होगा और मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। टू बैड टू बैड। बाद अब पा मुलायजा होशियार, सेठ जगन्नाथ घास वाला वाली सवारी आ गई। हेलो मिस ग्लोरी, क्या बात है, आप लोग उदास हैं? मालूम होता है सेठ जगन्नाथ घास वाले ने स्टाफ से लेकर मैनेजर तक को झाड़ू मार के रख दिए। कैसी तबीयत है तुम्हारे मैनेजर साहब की? क्यों क्या हुआ?
पूछो कि क्या नहीं हुआ, बिल्ली और चूहे वाला खेल हो गया। हमको तो सेठ जगन्नाथ घास वाला यहाँ तक के बोला कि तुम मैनेजर ही ले लो, लेकिन हम बोला कि नहीं, मैं मुंह पे लाफा मार सकता हूँ, पेट पर लात नहीं। तुम्हारे मैनेजर को माफ किया। क्या सच? हाँ हाँ। ये देखो, ये रहा सबूत। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे मैनेजर की लेवल की कुर्सी लेने वाला हूँ। चलिए चलिए मिस्टर मनोहर, प्लीज। अरे अरे वाह, आज तो बड़े मजे से रोका जा रहा है। कल तक तो मैनेजर साहब को ये सर, नो सर, मिस चंद्रा, ये डबल पॉलिसी अच्छी नहीं। मैं तो अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी का चांस मिस ग्लोरी को देने वाला हूँ। सुनिए सुनिए मिस्टर मनोहर, प्लीज मेरी खातिर आप बाहर चलिए। मेरे पास लेटर है। लेकिन मेरी नौकरी, प्लीज। मैं तुम्हारी नौकरी नहीं छीनूंगा। मर गए जी। बहुत अच्छा। मैं सेठ जगन्नाथ घास वाला बोल रहा हूँ जी। अगर तुमने मेरे जिगरी दोस्त मनोहर को नौकरी नहीं दी तो तुम्हें अपनी कुर्सी खाली करना पड़ेगी, समझे कि नहीं समझे जी? अच्छा जी, राइट, शुक्रिया। मिस चंद्रा? यस सर। ओ मिस्टर मनोहर, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। थैंक यू। ओ सर, एक्सक्यूज मी, मिस्टर खन्ना और मिस्टर चड्डा एक हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। ओ तो बहुत अच्छा, तो मिस्टर खन्ना वाली जगह मिस्टर मनोहर को दी जाए और इनका फौरन नौकरी का ऑर्डर बनाया जाए। ओह, नौकरी का ऑर्डर, थैंक यू वेरी मच। एक कमाल लड़की है यार, अपना टेबल तो इसके टेबल के पास ही लगाना। वो मिस्टर खन्ना कितनी पगार लेते थे? 200। और मिस्टर चड्डा? 160। तब तो खन्ना वाली जगह ठीक रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों के टेबल मिला दे, काम मैं चला लूंगा, नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे फिर तो जवाब नहीं है तुम्हारा भी। अच्छा ये बताइए कि छुट्टी कितने बजे होती है? कहाँ जा रही हो? अपने हॉस्टल जा रही हूँ। तो आओ ना, ये गाड़ी अपनी है, आओ। मगर टैक्सी? टैक्सी तुम जाओ। तुम्हारा हॉस्टल तो मैंने देख लिया, अब तुम भी चल के जरा मेरा घर देख लो ना। ना बाबा ना, सुबह चाटा तुमने खाया और अब मैं फंसू जाके। चाटा? सुबह दस्तखत किसने करवाए थे लेटर पर? भाभी ने। ओ भाभी ने? वो मैं धुनकी में मना कर दिया होगा, वरना तो। क्या धुनकी में? तो तुम शराब भी पीते हो? मैं नहीं, वो बड़े भैया पीते हैं, लेकिन दुनिया को मैं ये कहता रहता हूँ कि मैं पीता हूँ, ये बात है। अच्छा अच्छा। अरे ये क्या हुआ? बात ये है कि शंकर बाटली वाला जब भी मेरे को याद आता है ना, तो मेरा ये मुंह हिलने लगता है। ओ अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा, बाय बाय। मेरे से आगल ऑफिस से निकली, कहाँ थी इतना टाइम? क्यों बताऊं? मेरे को मालूम, वो रोड इंस्पेक्टर के साथ घूमती होगी। रोड इंस्पेक्टर? अरे उसके पास कार है खुद की। तेरा फाउंटेन पेन नहीं दिया ना, तो क्या हुआ? ऐसे ही किसी का कार लेके नहीं दिया होगा। चल चल, क्या ठोकती है? शिवराम नहीं बोला था? वो एक बड़ा नामचीन आदमी है, उसके पास एक फ्लैट है, मोटर कार है। चल नहीं तो मार खाएगी आज। मैं जाती हूँ, फिर भी अपना बैग देख ले, कहीं तेरा पर्स नहीं मारा हो। चल चल, हवा आने दे, मैं कार में बैठी थी, सो नहीं रही थी, समझी? अरे मेरा पर्स, फिर बनाती है मेरे को। अरे नहीं ग्लोरी, उसमें 250 रुपए थे, अब क्या होगा? 250? नाम चिन फटका दिया ना? नहीं नहीं, मैं समझती हूँ उसने नहीं लिया होगा। तो फिर और किसने लिया होगा? मेरे को क्या मालूम तुम किस किस के साथ घूमती है। क्या? अच्छा ये बताओ, तुम मोटर के अगल वाली सीट पे बैठी थी ना? हाँ। तो फिर उसके साथ ऐसे लग के बैठी होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे हट जाया करती थी।
बदमाश दरवाजा खोलने बंद करने में ऐसा हाथ किया होगा। हाँ किया तो था, और फिर मोटर टर्न किया होगा। मगर ग्लोरी तुझे यह सब ट्रिक कैसा मालूम? मुझे मोटर का ट्रिक सब मालूम। कितना टाइम गैर बदली करता बाजू मारने को, बस में स्लिप कैसा होता साथ लगने को। मैं पूना में नहीं बॉम्बे में छोटे से बड़ी हुई हूँ मालूम। तू कहाँ की बात कहाँ ले आई, मेरे पर्स का क्या होगा? चलो जाएंगे उससे घर। अरे नहीं नहीं, उसका बड़ा भाई नशे में हुआ तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोला, नशा? हाँ, छोटा तिक्रमबाज बड़ा दारूबाज। शिवराम ठीक कहता था, पूरा फैमिली नामचीन है। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता, अब क्या करूं? कैसे ट्रिक से मैंने बात पूछ लिया, अगर ये पर्स ऑफिस में नहीं भूलती तो मुझे बताती। अरे शैतान! देखा आपका ट्रिक। लेकिन यार जब तू घास वालों को जानता नहीं था तो फिर ये लेटर कहाँ से लिया? अरे यार प्रेस में उसका लेटर छपने गया था, मैंने बोला चालस लो। लेकिन यार ये तूने ठीक नहीं किया, अगर बोगस मामले का पता चल गया तो? अरे इतने बड़े बम्बई शहर में इतने से घफले का क्या पता चलेगा। लेकिन यार फिर भी, खैर कोई बात नहीं, नौकरी तो करना ही पड़ेगी, नहीं तो चंद्रा। चंद्रा? हाँ चंद्रा अपने दफ्तर में काम करती है। लाइफ में पहली बार पता चला है यार कि अपना भी दिल धड़कता है। अच्छा तो चल इस खुशी में डबल डोज पिलाता हूँ। नहीं यार आज मैं नहीं पीने का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और घर भी जल्दी जाता हूँ ताकि भैया भाभी भी खुश हो जाएं। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो अपनी नियत खराब हो जाएगी। अच्छा, जा। मैं तो ऑफिस में ताड़ गई, कैसी स्टडी आंख से तुमको देखता था। एक लोरी मोहब्बत इतनी जल्दी हो जाया करती है, मैंने सुना है कि इसमें जरा टाइम लगता है। दिल से पूछो कितना टाइम लगता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब रात को नींद नहीं आएगा, दिन को भूख नहीं लगेगा। कॉपिंग पेंसिल का रंग कैसा होता? नीला। मुंह का रंग वैसे ही हो जाएगा। ओह माय गॉड, मैं तो अभी से लव स्टॉप कर देती हूँ। तुम जितना भी लव स्टॉप करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। मैं नौकरी छोड़कर पूना चली जाऊंगी। पूना क्या, हांगकांग भी चले जाएगा, वो उधर चेस करेगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अब आंखें बंद करके सो जा, मॉर्निंग में उठ के मुझे बोलना क्या सपना देखा था। साइमन, साइमन, क्या बात है? छोटे बाबा को बहुत सर्दी हो गया, थोड़ा बरंडी मांगता है। वल्ला अभी रहते। ये लो, जरा देखना, उसका ध्यान रखना। छोटे बाबा को डबल निमोनिया डाला, थोड़ा बरंडी है? हाँ हाँ लाती हूँ। क्या बात है? छोटे बाबा को डबल निमोनिया हो गया, थोड़ी बरंडी है क्या? है, जल्दी जल्दी चलो मैं भी चलूं। नहीं नहीं तुम यहीं ठहरो, मैं बरंडी पिला के वापस आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। बहुत अच्छे, उंगली पकड़ के साथ में ही चली आई नालायक पिंकी। चला दरवाजा खसक गया, दीवार खसक गई, दरवाजा खसक गया या मैं ही खसक गया, गड़बड़ जरूर है। माफ करना भैया, दोनों पार्टी, मैं जगह पर नहीं पहुंचा था। मेरे से कहा था नमूनिया है बाबा को, मेरे से कहा था डबल नमूनिया है, मैंने सब बरांडी दे दी अपनी। चलो बच्चे की खबर ले।
छोड़ उंगली छोड़, अबे मुझे शेव करने का उंगली छोड़ना। बोले हाँ, तू तो बोलता था ऐसा निमोनिया हो गया, ये तो अच्छा मजा दिखाई देता। निमोनिया कौन बोला? ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, क्यों है ना? हमारे ब्रांड चुप ही गया। मर गए, ये यहाँ कहाँ से आ गई? क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है। पूछे तो कह देना मैं घर में नहीं हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम मनोहर से मिलने आई हो? जी। आओ आप। मैंने जब तुमसे दफ्तरी में कह दिया था कि नौकरी नहीं है, तो फिर घर पे क्यों चली आई? जी मनोहर, धीरे बोल, कोई घर आए तो इस तरह बात करते हैं? अरे जब ये धीरे सुनती तो आज यहाँ पर क्यों आती? इसकी बात का बुरा ना मानना बहन, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम चंद्रा है। पूना की रहने वाली है, चार पांच बहनें हैं, एक पार साल होके बम्बई में आ गई। ये बात ठीक नहीं है मनोहर, तुम्हारे हाथ नीचे कोई जगह खाली हो तो दे दो बिचारी को। मेरे हाथ नीचे तो कालीन है और हाथ के ऊपर बर्फ। बोलो कौन सी चीज चाहिए? मनोहर भाभी, तुम तो जानती हो कि मैं अपने घास वाले सेठ की कंपनी में नया नया अफसर लगाऊं और ऑलरेडी आधा दर्जन नौकरियां बांट चुका हूं, और फिर ये छोकरी कुछ जानती भी तो नहीं है। मालूम होता है ये तो फिल्म कंपनी में हीरोइन बनने के लिए आई है। मुझे नहीं मालूम था कि आप खराए हुए मेहमान से इस तरह सलूक करेंगे। चंद्रा सुनो चंद्रा, मैं ये कह रहा था कि तुम खाम अगर चुप रहो, जाओ तुम कपड़े बदल कर आओ। जो मुंह में आए बक देता है, मगर मन का बहुत साफ है, जरा ध्यान रखना इसका। जी हाँ हाँ, नौकरी दिलाई है तो ध्यान नहीं रखोगी? जी आपको किसने बता दिया? अरे वाह, मैंने आंख में चोली नहीं खेली तो क्या हुआ, पर सखियों के आंगन में देखी तो है। भाभी मैं अपने फ्रेंड मिस्टर ग्लोरी से मिलने के लिए हॉस्टल जा रहा हूँ। आप इनसे मेरी नौकरी के लिए फिर कहिए, शायद मान जाए। मनोहर भाई, बिचारी को जरूर कोई ना कोई नौकरी दे दो। ओके। अंकल ये कौन है? ये अंकल, मैं ऐसे शादी करूंगा। मुझे रखा आएगा भाई। मामी मैं ऐसे शादी करूंगा। और बाबा भी बड़ा अच्छा था। और तुम्हारे भैया से तो मुलाकात हो ही नहीं सकी। अरे वाह, इंडियन लड़की शादी के बाद नाम नहीं लेती, लेकिन तुमने तो अभी से कॉल कर दिया। अच्छा तो अब समझी, देवर भाभी दोनों मिलकर मुझे फांस क्यों रहे थे? वो तो इसलिए कि अच्छी नौकरानी की हर घर में जरूरत होती है। नौकरी करोगी? करूंगी। तनख्वाह क्या लोगी? जो मन में आए दे देना। मंजूर है, लेकिन जमानत का क्या होगा? कहे की जमानत? देखो ना भाई, कोई चीज अगर चोरी हो गई तो हम किसको पकड़ेंगे? कितने की जमानत? रकम का मामला नहीं, जिस चीज के चोरी होने का अंदेशा है वही चीज जमानत में रखना पड़ेगी। मेरा मतलब है दिल। दिल है? घबरा गई? सोच लो, दिल का मामला है। मैंने सोच लिया। मनोहर मनोहर। Oh,
कोई घबरा गया। मेरी याद में है तासीर बुते पे पीर तड़प कर आ गया। अपना जाना घड़ी घड़ी दिल न दुखाना, खुशी खुशी साथ निभाना मेरी जिंदगी। अपना जाना घड़ी घड़ी दिल न दुखाना, खुशी खुशी साथ निभाना मेरी जिंदगी। क्या कसूर है? पिछले 10 साल से टाइम को इस तरह स्लिप होते हुए मैंने पहली बार देखा है। मेरे हिसाब से तो अभी तक 12 बजने में 4 घंटे बाकी है। चलो एक राउंड और मार के आए। चले शट अप, तुमको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान पर बनी है। अब सोचो किया क्या जाए। ऐसा करते हैं कि समझ गया, ताला तोड़ दूं। ताला टूटेगा तुमसे? अरे कहीं तोड़ा है, तुम देखो तो सही। छोड़ छोड़। किसी ने नहीं, ये सारी तो आपको तो खा
ये कपड़ा, ये कपड़ा तो ग्लोरी की टांग बांधने के लिए है। रात को उसको चलने की बहुत बुरी आदत है, कभी चलते चलते गिर गई तो क्यों है ना? तुम चोर साफ फेल आया, अभी तक कमरे में होगा। मैडम आपको एतबार क्यों नहीं आता? अगर वो चोर होता तो फाटक के पिछले रास्ते से क्यों नहीं चला जाता है? लेकिन उधर तो गोरखा खड़ा है ना। हाँ हाँ गोरखा है उधर। तो फिर नीचे चोर की खिड़की से निकल जाता? उधर भी ताला लगा है, वो ताला तोड़ के कैसा भागेगा? अरे वो कोने वाली सीढ़ी पड़ी है, वहाँ से भाग सकता है। उधर कुत्ता काट खाता ना। चंद्रा तुम खाने के लिए बहाना करता है, हम तुम्हारा डैडी को लिखेंगे। चलो सब लोग चलो। प्लीज प्लीज मैडम। हाँ और ये भी लिखना कि चंद्रा ने तुम्हारे ऊपर चप्पल डाल दिया और उसके बाद चोर को आहिस्ता से भगा दिया खिड़की के रास्ते से। फिर मेरे डैडी आके मुझे मारेंगे। मेरी जान। अरे क्या बोलता है, ये तो मेरी जान है, मेरी जान। अरे आंखें निकाल के कुत्तों को खिला दूंगी, मेरी जान के बच्चे। शंकर लो आज अपने लिए किस्मत चमक गई। शंकर मनोहर ये क्या? आज मैं फंस गई थी, मैं फंस गया था भाई। चलो घर चलो। कर दो मैं तेरे कपड़े पहनूंगी। फिर वही मैं तेरे कपड़े पहनूंगा। अबे क्या सुबह हिलने लग गया? बोए तीन चार पाँच छह जल्दी लेकर आ। देगा तो मुसीबत कर देगा मेरे साथ टोकरी देख के। अरे एक काम करते हैं, इसको बगैर उठाए अंदर जा सकते हैं। वो कैसे? ऐ तरकीब नंबर तीन से तू मेरे पीछे छुप जा। अच्छा ये आवाज मत करना, नहीं तो पकड़ जाएगा। खान साहब, ओ खान साहब। तेरो अंदर, जल्दी दरवाजा खोलो। तेरो तेरो ये नेक बख्त खातून तुम कौन है? मेरा नाम खातून नहीं, शीला है, शीला। अच्छा शीला बहन, तुम इतना रात किधर गया था? दारू पीने। नहीं नहीं मैं सोडा पीने गई थी, मेरा कुछ पेट में गड़बड़ थी इसलिए पीछे के दरवाजे से, तो वो भी तुमने बंद कर दिया, आगे का भी दरवाजा लगा के सो गए। जल्दी खोलो। अच्छा तेरो बहन खोलता है। जल्दी खोलो माँ, बड़ा खैर आना तेरी उसमें। चलो क्या जमाना है, जवान लड़की रात भर आवारा गर्दी करता है। शंकर के कमरे में लाहौले वाला कुत। लोगो फिर आ जाओ, देखो बदमाश शंकर उसके कमरे में छोकरी है, जल्दी आओ देखो छोकरी है, जल्दी आओ। फिर आ जाओ भाइयो, हो भी नहीं वाला। क्या बात है लाला? डायमन साहब बड़े पूछता क्या है, लो देखो शंकर छोकरी लाया। भाई भाई पहले खाली दारू पीता था, अब औरत लोग को भी लाता है। क्या हो तोड़ दो दरवाजा, और शराबी का बच्चा, अरे क्या देखते हैं, तोड़ दो दरवाजा लाला। अरे क्या क्यों तोड़ो दरवाजा, क्या तोड़ने के लिए बना था क्या? इधर है वो औरत है? अरे कैसा औरत, किसी का औरत गुम हो गया होगा तो पुलिस स्टेशन से खबर करो। अरे क्या बच्चा है, निकालो उस औरत को। अरे साथ छोड़ के बात करो, कौन सा वो औरत, वो तो ऑल इंडिया डांसर है, डांसर आजा भाई मैदान में सिखा थोड़ा जलवा। ये जरा हट के, जरा बोल के, वाह वाह। देख अरे मारे चल चल चल, आपने लाखों घरों जा रहे।
लाखों खून कराए, आज ये खून और होगा। भगवान के लिए ऐसा न कीजिए, वो खराब सही लेकिन आपका सगा भाई है। सगा भाई जिसने सगे भाई की इज्जत का नाटक खेल डाला, जिसने ये भी नहीं सोचा कि हमारे मासूम बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मेरी खातिर रुक जाइए। भैया ये साइमन का घर नहीं है क्या कर रहे हो? अरे बाबा मैं साइमन हूँ। भैया तुमको चढ़ गई है। अरे चढ़ गई के बच्चे, देख तो सही तू कहाँ आया है। मैं अरे कमर तो कमर बिल्कुल बंदी हो गया भैया। भैया ये भाभी एकदम इतनी गाड़ी कैसे हो गई है, कमर है। अरे भैया के बच्चे मैं साइमन हूँ, साइमन तेरे बाजू वाला। बाजू वाला तो फिर बाजू छोड़ कर बात कर ना, कमाल है, हाथ लगाता है, शर्म नहीं आती पड़े औरत को। डार्लिंग तुम इन शैतान लोगों को दूसरे कमरे में ले जाओ। मनोहर अगर तेरा भाई देखेगा वल्ला तुमको मर डालेगा। कितना सुस्ती वाला हड्डी है तेरा, चलो जा। वल्ला तुमको शर्म नहीं लगता, पीकर अखा बिल्डिंग में बम बम किया। साइमन कल को दारू पीता है, तुम मर्द लोगों ने तो हम औरतों की जिंदगी हराम कर रखी है। ऐ सबर करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। वल्ला तुम सो जाओ। अरे मगर हम बोलते हैं तुम सो जाओ। वल्ला नहीं तो मेरे हाथ से मार खाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ कैसे सोऊंगी, मर्दों में सोऊंगी क्या? वल्ला शराब खराब होगा मगर तुमसे जास्ती नहीं खराब होगा। ए मेरी बहन सो जाओ। अब विश्वास आया, ऐसा ठीक है, तेरे बोलने को क्या हो गया था तेरे को? अभी मैं सोचती हूँ। हाँ जा सो जा, सो जा, सो जा। हमारा हाथ मत लगा, चल। मेरा दिल अब तक धड़क रहा है, अगर रात को मनोहर मेरे कमरे में पकड़ा जाता तो बाप रे। अजी जनाब, हम तो रात की बात सुनने के लिए बेकरार हैं और आप इस तरह जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा तो आपके लिए कहानी हो गई, पर मुझे पसीने आ गए थे। पसीने आ गए थे क्या हुआ? छलांग जो लगाई थी खिड़की से, घुटने अभी तक दर्द कर रहे हैं। मैं तो बिल्डिंग में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कहीं किसी ने सचमुच की औरत नहीं समझ लिया? किसी ने? अरे अपने भाई ने। मैं तो डर के मारे रात भर अपने पड़ोसी साइमन के घर में सोता रहा। नशे में किसी को क्या सोचता है? नशे में तो मेरा मतलब वो भाई है ना मेरा बड़ा, आपको तो पता ही है। तुम्हारे भाई को इतना नशा नहीं करना चाहिए कि इंसानियत से गिरकर हवानों जैसी हरकतों पे उतर आए। मैं तो आज ही जाऊंगी तुम्हारे भाई के पास। अरे ऐसा गजब मत करना, वो तो 24 घंटे नशे में रहते हैं, भाभी भी 7 फीट दूर से बात करती है। आज इतनी क्विक तैयारी, क्या बात है? तेरे जोसेफ से मिलना है, आज मेरा डेट है, बहुत बात कर। डैडी को शादी का डेट लगती करने का है, बेचारा मैनेजर क्या करेगा? जब देखो मैनेजर मैनेजर मिलने दे तेरे जोसेफ को, बोलूंगी उसे। हम मैनेजर को डालता कचरे के डब्बे में, हमारे जोसेफ से झूठा बात मत करो। क्यूँकी तो अपना जोजफ से बड़ा डरती है। मेरा जोजफ तेरे मनोहर सरीका ने फूक मारता उड़ जाएगा तिनके के माफक। अरे मोहब्बत में तो तिनके का सहारा भी लेना पड़ता है, समझी? वो अरे वो अपनी मजबूत है ना, मजनू। कौन? अरे वही लैला के लवर। ये मनोहर से आधा था आधा, आज कितना नाम है मार्केट में। वही नाम अपने को नहीं जमता। तुम गलती करता चंद्रा। गलती कौन नहीं करता, भगवान ने इंसान को बनाया वो भी तो गलती किया। जोसेफ तुमसे लव करता वो भी तो गलती करता। शटअप, वो एकदम लकी आदमी है, मेरे जैसी लड़की उसको टॉर्च लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शुक्र है भगवान का मेरे मनोहर ने तुझे क्लोज से नहीं देखा, वरना वो मुझे भी भूल जाता। ए मेरे को उसका एड्रेस देना। एड्रेस चाहिए तुझे? ए किधर जाता? ठंडी हवा पूछे
शराब शराब ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। कमबख्ती का ही नहीं छोड़ती, मैं परेशान हो गया हूँ। कौन है जी? मैं चंद्रा। आओ भी आओ, तुम्हारी तो बहुत तारीफ कर चुका हूँ, आओ। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। पूछो क्या है? ये कि तुम यहाँ आई थी और मुझसे बगैर मिले थे। भूल हुई तो इस भूल का जुर्माना ये है कि आज तुम मेरे करीब बैठो। मेरे करीब बैठो। देखा, पुरानी लकीरें खींचने से जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। आजकल औरत को मॉडर्न होना चाहिए, बिल्कुल मैं चंद्रा की तरह। अरे देख क्या रही हो, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो ना। जी, इसकी जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बैठो बैठो, माने की क्या जरूरत है, इसे अपना ही घर समझो। लो भाई, शर्म और झिझक में तो ये तुमसे भी दो हाथ आगे हैं। बैठो बैठो, तुम भी बैठो यहाँ। ठीक कहा है किसी ने कि हिंदुस्तानी औरत कितनी ही मॉडर्न क्यों न हो जाए, लेकिन हिंदुस्तानी ही रहती है। आप तो अपनी सुनाने लगे, घर आए मेहमान की भी कुछ सुनाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जी मैं आपसे उस बात कहने आई थी। अच्छा, पहले कुछ खा पी लो, फिर बात सुनेंगे तुम्हारी। मनोहर मर गए। मनोहर जी, मालूम होता है दफ्तर में कोई गड़बड़ की है, चंद्रा देवी तुम्हारी शिकायत लेकर आई। अरे भाई, ऑफिस की बात ऑफिस में होगी। अच्छा भैया, हम लोग बाहर जाकर सेटलमेंट करके आते हैं। नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। बोलो चंद्रा। जी मैं आपसे शराब के बारे में कहने आई थी। तो मनोहर ने तुम्हें सब कुछ कह दिया है। अरे जी। चलो अच्छा ही किया, जब किसी को सच्चा साथी मिल जाए तो उससे इतना बड़ा ऐप छुपाना ठीक ही नहीं। कल रात की बात है, अगर इसकी भाभी जीत बचाव न करती तो न मालूम मुझसे क्या पागलपन हो जाता, सारी बिल्डिंग में बदनामी हो चुकी। इस बदनामी के बाद भी अगर आप कुछ ना करें तो वाकई शर्म की बात है। भाई मैं तो सारी कोशिश करती, ये बेचारी भी रात दिन आंसू बहाती है। अब तो हमारी सारी उम्मीदें तुम्ही से लगी हुई। अब भगवान के लिए मुझसे दूर रहिए, मुझे शराबी से बहुत नफरत है। शराबी? क्या मैं शराबी? अरे मैं तुमको बोला नहीं, मैं पीता हूँ घर के। सुन लिया आपने, शराब पिए बड़ा भाई और बदनामी उठाए छोटा, ऐसा कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आई मनोहर? माफ कीजिए मुझसे भूल गई, भला मैं कौन होती हूँ ऐसी बातें कहने वाली। नमस्कार। नमस्ते। सुनो चंद्रा, अरे भाई जब बड़े सीधी राह से हट जाएं तो छोटों को टोकने का अधिकार होता है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी बुरी आदतों की वजह से मनोहर को और तुम्हें भी बहुत तकलीफ पहुँची है, लेकिन मैं वायदा करता हूँ कि आज से शराब कभी नहीं पीऊंगा। नहीं जी, जिस काम के लिए मैं आई थी वो पूरा हो गया। नमस्ते। नमस्ते। तू कहाँ चला? चल बैठ यहाँ। मैंने उसको ऐसा बोलने के लिए नहीं बोला भाभी भैया। भाभी भाभी भैया, आज तुम पहली बार मेरी नजरों से गिरे। वो बात गई, भाभी की जबान जरा स्लिप हो गई। एक झूठ निभाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, पोजीशन कुछ ऐसी आ गई थी। लेकिन मनोहर, इस बुराई में भी भलाई का एक पहलू दिखाई देता है। चंद्रा यही समझती है ना कि मैं जीता हूँ तुम नहीं। अरे वो तो गारंटी कि मैं अभी जाके मामला रिवर्स कर देता हूँ। नहीं मनोहर, अब जिस तरह से तुमने अपने आप को उस पर जाहिर किया है वैसा ही बन के दिखाओ। ओह यस, ये भी पॉइंट है, मैं वैसा ही बन के दिखा दूंगा। लेकिन ये मत भूलना कि अगर इस लड़की की निगाह में चढ़कर तुम गिर गए तो तुम्हारे लिए डूब मरने जैसी बात होगी। अब भूलना कैसा, मैं अभी अपनी नोटबुक में लिख लेता हूँ। मनोहर, मगर भाभी अब तो सब सेटल हो गया ना, मैंने भैया से भी कह दिया और आपसे भी कह देता हूँ कि आज के दिन से दारू एकदम खलास। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। ये खत किसको लिखा है? डैडी को। डैडी को, जरा मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। नहीं बताऊंगी। दिखाओ ना। नहीं बताऊंगी। दिखाओ, मैं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। बताती हूँ। पिताजी तुम्हें देखने आ रही हूँ संडे को। संडे को? मालूम होता भगवान ने सुनहरी संडे के रोज बनाया है फुर्सत में, इसीलिए तो संडे को आ रहे हैं, है ना? चंद्रा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे तरह खूबसूरत है। चलो हटो।
कहाँ है मनोहर? आने दो उस मनोहर के बच्चे को। अगर मैं उस 420 को जेल खाने न भेजूं, तो मेरा नाम जगन्नाथ खास वाला नहीं। निकालो निकालो, वो लेटर कहाँ है? लेटर? लेटर तो शायद सेठ उसी के पास है। अरे लाने से तुम पर, अगर मैं आज ना आया होता तो शायद तुम भी उसके पास रह जाते। अरे मैनेजर भी करते हो कि घास खोदते हो? इस तरह मेरे नाम से कोई बोगस चिट्ठी लाकर शायद कंपनी का मालिक बन सकता है। अरे मनोहर बाबू, तुम किधर था? हम कितना वक्त बाहर आके तुमको ढूंढा। मैनेजर बोमा बोम करता है। कोई खुश खबरी है क्या? ऐसा दिखता है मेरे को। यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ये सेठ जगन्नाथ घास वाला एक मिनट नहीं छोड़ता है मेरे को साला। आज फिर बैठ गया रमी खेलने के वास्ते। अब मैं क्या बोलूं उसको? अगर मैं अखा बाटली दारू का पी जाता है, अभी रात को क्या करता होगा तुम खुद समझ लो। यार मेरे को बोलता है वर्ल्ड कप टूर पे चलने के वास्ते। अब मैं काय को जाऊँ अपना इंडिया छोड़ के? है जाते काय को नहीं। अरे यार अपनी बेटी को साथ में भेजना मांगता है। ये कौन है, बकरा है क्या? हाँ तो यार, 2.5 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ छोकरी के वास्ते, और मैं घर जवाई बनना नहीं चाहता। मालूम है क्यों? क्यों? बड़ी घटिया जात का है यार, किसी से कहना नहीं, वो तो वार में घास का धंधा कर बैठा और जानवरों को कूड़ा करकट खिला के भाई चांस मार गया। हाँ, और उसकी लड़की की शक्ल मालूम है कैसी है? कैसी है? बिल्कुल ये मेंढक जैसी। अरे वहाँ यार, ये भी आदमी कोई पैसे वाला मालूम होता है। इसका नाम क्या है? इसका, इनका नाम भी सेठ जगन्नाथ है। अच्छा, जगन्नाथ? जगन्नाथ नहीं यार। हाँ हाँ, हो सकता है। अरे नाम सेम होने से किस्मत सेम थोड़ी हो सकती है। और इस भाई का तो दम फूल रहा है। ओ मिस्टर, ये जी अस्पताल जाओ, कहीं इधर लुढ़क गए तो मुसीबत हो जाएगी। काय को बिठा के रखते हो यार ऐसे आदमी को? अरे ये अपने सेठ जगन्नाथ खास वाला है। अच्छा, मगर यार मेरे को तो ये म्युनिसिपैलिटी का मेंबर मालूम होता है। मेरा मतलब है म्युनिसिपैलिटी का मुकादम मालूम होता है। एक कल आ गया ना पंप लेके नागपाले के ऊपर, मच्छर बहुत हो गए। लेकिन यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, उल्लू मालूम होता है। उल्लू? और तू है उल्लू का पट्टा? ए भाई, मुझे अपनी फैमिली में क्यों ज्वाइन करता है? आप बिल्कुल असली जगन्नाथ घाट वाला है। असली के बच्चे, मैं अभी तेरी अच्छी तरह खबर देता हूँ। देखा, अरे हम लोग आपस में कितने फ्री है, घर पर तो गाड़ी गुफ्तार चलती है। आज जगन्नाथ घर चले। अरे चले के बच्चे, मैं अभी तुझे जेल खाने भेजता हूँ। मैनेजर कमिश्नर को फोन करो जी। अरे फुटबॉल के माफिक क्या उछलता है, मैं भी फुल बैक रह चुका हूँ। मैंने कोई तेरे नाम से डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, नौकरी ही तो लिया ना। चले टाटा छोड़ दी। टाटा के बच्चे, धोखेबाज, बदमाश, देख अभी मैं कोर्ट में तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा क्या? अबे मैं भी तेरे मुकाबले के अंदर बेरिस्टर मोहम्मद भाई माचिस वाले को रखूंगा और तेरे घास के तबेले में उसी से काली लगवाऊंगा, समझा? अरे करता क्या है, मैंने भी 12 साल गिरगाम पुलिस कोर्ट के आसपास चक्कर खाया, समझता है ना? टाटा है मनोहर बाबू। उधर मैं पिताजी को लिख चुकी हूँ, उनको कल आ रही हूँ, और इधर इनकी नौकरी जाती रही, ना जाने पिताजी क्या सोचेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, नौकरी चली गई तो चले जाने दो, भगवान ने चाहा तो इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, पिताजी को और क्या क्या लिखा है? शर्माओ नहीं, बताओ। अरे भी बताओ क्या लिखा है। अरे भाई, शर्माने जैसी बात है तो पिताजी को कैसे लिखी? आप हमेशा सीधी बात को उल्टा कहते हैं। बात वो लिखी जाती है जो कहने जैसी ना हो, क्यों चंद्रा? अरे हाँ, ये तो बताओ कि तुम्हारे पिताजी का मिजाज कैसा है? बिल्कुल आपकी तरह। तो लोहे से लोहा टकराएगा, खूब गुजरेगी। नहीं नहीं, लेकिन वो आपकी तरह शराब नहीं पीते। शराब तो मैं भी नहीं पीता, जब से तुम्हें वचन दिया है आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। पूछ देखो इनसे। अरे हाँ, इनसे वो बात भी तो पूछ लो, मतलब ये कि शादी के बाद ये लोग हमें इस मकान में रहने देंगे या हम कोई दूसरा मकान तलाश करें। कैसी बातें करते हैं आप। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जैसी दुल्हन चाहिए थी वैसी मिल गई।
अब तुम अकेली नहीं, दोनों साथ रहोगी। अरे आप कैसे बदसूरनी की बातें करते हैं? तुम्हारा जो जी चाहे समझ लो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को धोखा दिया जाए। तुम समझती हो शराब मामूली ऐप है, और फिर आज उसकी नौकरी भी तो छूट गई है। देखो जी, मुझे नौकरी की परवाह नहीं, मनोहर की दुल्हन आ जाए, नौकरियां बहुत, कहीं बनी हुई बात बिगाड़ के मेरा मन न दुखाना। शोभा, तुम्हारे मन से तो मेरी दुनिया आबाद है। यार बहुत बुरा किया घास वाला ने, अबे नौकरी तो छूटने वाली थी, झूठ का प्लान कितने होशियार इंजीनियर से बनाओ, बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। मैं बोलता हूँ खड़ी हो सकती है, अबे नहीं हो सकती है, और हो भी गई ना तो भाड़े पे नहीं चलेगी। अरे तो भाड़े पे चला का, अपन खुद नहीं रहना ठाट से, और फिर तू घबरा देगा जो है, मैं तो मेरी दिग्राम सोचता हूँ। देख भाई, कपड़ा हो गए तो मंगलदास मार्केट, फ्रूट भाजी पाला हो तो क्राफ्ट मार्केट, फ्रूट बोलने के लिए भी कोई मार्केट होना चाहिए ना, है ही नहीं। इसलिए मैं तो सच बोलना शुरू कर देता हूँ आज से। अच्छा तो तुम शुरू कर दो, कल से मैं करूँगा, लेकिन बोनी कहाँ से करोगे? बोनी करता हूँ चंद्रा से, उससे कह देता हूँ कि शराब मैं पीता हूँ, वो समझती है भाई पीते हैं। इसीलिए तो तू बाहर नहीं रहता। मैं जानता हूँ वो कहाँ गया होगा। उस पर हाथ न उठाना, आपको मेरी खबर, ये सब तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। मनोहर, ये मेरे भैया की कौन गधा नकल करता है? तो भैया भैया मेरे तो भैया तुम यहाँ, तुमने भी चालू कर दी क्या? बदतमीज, कल चंद्रा के पिता तुम यहाँ देखने आ रहे हैं, और आज तेरी यहाँ ये हरकत, चल घर। चलो। लेकिन मनोहर, तुम मनोहर की चिंता ना करो, वो वहाँ पहुँच गया होगा, और हाँ अपने संधि से मिलने जा रहे हो, बात पक्की करके ही आना। घबराओ नहीं, चट मंगनी और पट गया, बस समझो कि बात पक्की हो ही गई। हे भगवान, मेरी लाज रखना। बड़ी आज देखता हूँ मेरी बेटी की पसंद क्या है। अपनी मम्मी की पसंद से बेटर है। तू बड़ी बड़ी हो। वो आगे किताब। आगे? नमस्ते। 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 चंद्रा, वही लड़का कहाँ है? ये तो पूरा आदमी दिखाई देता है। नहीं पिताजी, इनके छोटे भाई हैं। अगर ये छोटे हैं तो उनकी उम्र क्या होगी? ओह नहीं पिताजी, ये उनके बड़े भाई हैं, वो भी आते ही होंगे। आइए। थैंक यू। आओ आओ बेटा, अरे घबराओ नहीं, अब मैं तो तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनता हूँ। बैठो बैठो बैठो। अरे दीदी, ये तो बैरा है पिताजी। बैरा है? हाँ जी। बड़ी तुमने चिट्ठी में तो कभी नहीं लिखा। खैर मैं ऊंचा बोलूंगा। अरे बैठ जाओ बेटा, बैठो आराम से बैठो। पिताजी ये तो होटल का बॉय है। बॉय है बड़ी? चल जाकर चाय ला। बड़ी कहाँ गया मेरा चश्मा? पिताजी आपके हाथ में। मेरे हाथ? लेकिन कहाँ है वो अपने? जी मनोहर, बात ये है मैं उसकी गाड़ी लेकर चलाया, वो टैक्सी में आता ही होगा, जरा शर्मा रहा था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, वरना चंद्रा जैसी दुल्हन के लिए हमें आपके घर के चक्कर लगाने पड़ते। बड़े 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 चक्कर लगा कर चले गए हैं, और आज भी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी अपनी मर्जी करना चाहती थी, आज मैं उसकी पसंद देखने आया हूँ। आप इनकी पसंद की तारीफ करेंगे? मनोहर नौजवान है, ये पास है, और नौकरियों की तो कमी ही नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके कैरेक्टर की तरफ कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। फिलहाल से उससे साक्षी जो मुझसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे शराब तो देना। मनोहर? यस मनोहर भी है, और आप मेरे होने वाले सुपर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। क्योंकि बड़ी इसके मुंह से तो शराब की बू आ रही है। चंद्रा, और नहीं तो क्या पेपरमेंट की खुशबू आएगी? चंद्रा को तो मालूम ही है। नहीं नहीं, उस बेचारे को क्या मालूम, और मैं दिन को थोड़ी पीता हूँ, इसका मजा तो सूरज डूबने के बाद चालू होता है। आप अभी किसी ने तो दिया ना? चंद्रा, बात यह है सेठ मंगलदास की, शराब तो मैं पीता हूँ, घर पर बोतलें पड़ी रहती हैं, आपसे मिलने की खुशी में मेरे बजाय आज ये पी आया। वो तुम दोनों भाई शराब पीते हो? खबरदार, शराब सिर्फ मैं पीता हूँ, और जो मेरे भाई को शराबी कहेगा ना, तो मैं उसको मार कर उसका इधर से मुंह उधर घुमा दूंगा। भैया ये जिंदगियों का सवाल है,
आज से झूठ की मार्केट जल के एकदम रात। आज तो श्रीमान मंगलदास कृपलानी जी बात ये कि पहले तो मैं चोरी छुपे किया करता था, फिर भाभी को पता चला क्यों भैया, तो भाभी ने भैया से छुपाया, और अगर चंद्रा को पता चल जाता तो वो आपसे छुपाती किसके लिए, एक शराबी के लिए ना, और वो भी अव्वल तो बेकार और भाई के टुकड़ों पे पलता है, समझे ना। आज से मैंने सच बोलने की प्रैक्टिस की है, कहिए आप मुझे अपना ससुर बनाएंगे, मेरा मतलब है आप मेरे ससुर बनेंगे। चंद्रा मनोहर माफ कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बड़ी गदाऊ नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले सकती। मनोहर चंद्रा वही बेशरम कहीं की, अब तो पिताजी से बात खत्म हो गई, मैं क्या करूं। चंद्रा मैं तो कहूंगी तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारे पिताजी राजी हों। खैर इसके पिताजी को वही करना चाहिए जिसमें ये राजी हो। तुम उल्टी बात ना करो ग्लोरी, इससे हमेशा के लिए माँ बाप का घर छूट जाएगा। जेल टूट गया पीछे घर को क्या करने का, आग लगाने का। तुम वही करो चंद्रा जो तुम्हारे दिल बोलता करने से। हिंदुस्तानी लड़कियाँ आज तक दिल की नहीं माँ बाप की बात सुनती आई है। मेरे को सब मालूम, इधर माँ बाप का बात सुनता उधर चोरी से आपका लाइफ रोता। तुम ऑल इंडिया में छोकिलों का आंसू जमा करो, एक नया दरिया कलकत्ता तक जाएगा। अरे रे तुम लोग आपस में झगड़ने क्यों लगी। अगर माँ बाप को अपनी मर्जी करना, छोकरी को एजुकेशन नहीं देना, हॉस्टल में नहीं भेजना, ऑफिस में काम करने के लिए नहीं देना, इतना जोश अच्छा नहीं, सोच कर बात कर। अगर शराबी के पल्ले पड़ गए तो नशे में घसीटता फिरेगा सड़कों पर। तुम बहुत क्लेवर बात करता, अच्छा बुरा क्वालिटी हर आदमी में होता। अपन को दारू नहीं दिल देखने का, दारू छूट सकता लेकिन दिल कभी नहीं बदले होगा, मैं पहले ही जानती थी। तू अपने जैसी पट्टी पढ़ाएगी इसे। शराब इधर पॉलिटिक्स का बात नहीं मांगता, गेट आउट मेरे रूम से। ग्लोरी इधर क्रिकेट का रुबाब नहीं चाहिए, गेट आउट। ग्लोरी प्लीज। चंद्रा मनोहर को तुम्हारा जरूरत है, अगर तुमने उसको छोड़ दिया वो दारू कभी नहीं छोड़ेगा। मगर पहले पिताजी लोग सब बिगड़ता, शादी के बाद सब ठीक हो जाता। तुम अपना दिल मजबूत रखो, स्ट्रांग। हाथ रखकर मेरे सुनने से फिकर थाम लिया, तूने इस वक्त तो गिरता हुआ घर थाम लिया। समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ। तुम अभी मनोहर के पास जाओ और दायरे की बात कर लो। अच्छा। लेकिन ये बातें तुम शराब पिए बगैर भी कह सकते थे। हिम्मत नहीं हुई भैया, तब मैंने बाजी से काम लिया। मैंने सोचा शराब आपकी मुरव्वत निकाल देगी और मैं बकवास कर लूंगा। लेकिन इसमें उस बेचारी लड़की है क्या, तोड़ दिया ना उसका दिल। मजबूरी थी भाई साहब, मैंने छाती पे कितना वजन रख के बात की थी मेरा दिल जानता है। लेकिन अगर तूने पहले दिन से उसे धोखा न दिया होता तो आज ये नौबत न आती है। धोखा मैंने किस किस को नहीं दिया। तुम बड़े भाई हो, तुमको बाप बोलना चाहिए, मैंने शराबी करके बोल दिया पब्लिक में। ये भाभी 6 साल से मेरे लिए रोती है, मैं 6 साल से डेली इसको धोखा देता हूँ। लेकिन मनोहर तुम शादी तक चुप रहते तो क्या था। अरे वाह भाभी, कोई हीरा समझ कर खरीदे फिर मालूम हो के पत्थर है तो क्या हाल होगा बेचारे का है? मैं तेरा शराबी, शराबी आदमी का क्या भरोसा, धमकी में कुछ कर बैठे तो फटका हो जाएगा ना शरीफ लड़की को जिंदगी भर का। चलो जो हुआ तो ठीक हुआ, अब इस बात को भूल जाना ही चाहिए। तुम आराम करो, आओ शोभा। दीदी तुम अभी तक रो रही हो दीदी, मैंने तो अपने आंसू पोंछ भी डाले। मेरा गम हल्का हो जाए मैं भी पोंछ डालू। पिताजी तो बहुत बिगड़े होंगे। हाँ बिगड़ना था भी ठीक उनका, बेटी को छोटी भूल नहीं कर रही थी, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो रही थी। ये जानते हुए भी आपने मुझे नहीं रोका, क्यों? अच्छी दुल्हन की लालच में हम अपने घर का ऐप जानबूझ के छुपा गए। नहीं दीदी,
घर का ऐस छुपाने की वजह दुल्हन नहीं, कुछ और थी। दीदी, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ, मैं भी उसे नहीं छोड़ सकती। चंद्रा देवी, तुम एक बार हमारी वजह से धोखा खा चुकी हो, अब दूसरी गलती करके हमें और ज्यादा शर्मिंदा करो। ऐसी बातें मुझे पिताजी भी कह चुके हैं। वो ठीक कहते हैं चंद्रा, मनोहर के दामन पे शराब एक ऐसा थप्पा है जिसे सगे भाई की कोशिश और माता समान भाभी की आंखों भी न धो सके। तुम्हारा नया नया संबंध इसे कहाँ तक छुपाएगा? मैं मानती हूँ मेरा नया संबंध है, मनोहर की बुराई को जितना आप समझते हैं मैं नहीं। अगर यही बुराई मेरी आंखें न खोलती तो मैं हमेशा के लिए खरे को खोटा समझती और देवता को पापी। मैं इस बुराई का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम मोहब्बत के जोश में बातें कर रही हो चंद्रा, ये एक ऐसी चीज है जो सोच समझ पर पर्दा डाल देती है। यही कमजोरी मनोहर के भाई ने दी है और भाभी ने दी। उन्होंने अब तक एक निकम्मे शराबी को अपने घर से क्यों नहीं निकाल दिया? कौन है भाई, कोई नवा लफड़ा है क्या? अभी से नए लफड़े की फिक्र, पहले पुराने से तो निपट गया। वो तो निपट के आया था, लेकिन मालूम होता है बेटी बाप से कोई नवा आइडिया लेकर आई है क्यों? हाँ, और वो आइडिया ये है कि जिसने अपना ऐप बताकर मुझे खरे खोटे की परख सिखा दी, मैं उससे भी प्यार करूँ और उसके ऐप से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पीता हूँ तो तू भी चालू कर देगा नहीं? हाँ, अगर मेरे फर्ज में मजबूर किया तो ये भी कर लूंगी। कभी पीना नहीं है, नहीं तो ऐसा लापा दूंगा कि इधर का मुंह धो जाएगा। भले औरत प्यार उठाना आदमी का बच्चे का काम नहीं है, धर्म के एंगल से। तो तुम्हें मुझसे अभी तक प्यार है है ना? अरे तो ना कौन बोलता है, लेकिन शराबी के प्यार की गारंटी क्या? हाँ, किसी चोर को बोलो कि ले माल संभाल तो क्या हाल हो, चोर में शराफत आ जाएगी। बात करती चोर में शराफत, ए नागपाड़ा सेक्शन में ये क्वालिटी का माल नहीं है। मुझे मिल गया, मेरे सामने है। सामने? सामने तो मैं ही हूँ। कोई और है क्या? कमरे के अंदर है या बाहर है? कौन है कौन? कमरा क्या, हर तरफ वो ही वो है। चंद्रा तू नहीं मानेगी, देख फिर भी ट्राई करता हूँ समझाने की। सुन, चोर ताजा हो तो दर्द का पता नहीं चलता, समझी? जरा बात ठंडी होगी तुझे बाप याद आने लगेगा और रोती हूँ पूना जाएगी। पिताजी अब क्या करो? पिताजी मालूम है जवाब क्या मिलेगा? वरी अब क्या है, क्यों आई है इधर? पिताजी सिर्फ 25,000 रुपए चाहिए, मुझे मनोहर के लिए कार खरीदनी है। 25,000 के तरफ पिताजी दे देंगे? हाँ हाँ, पूना जाने का टाइम है क्या गाड़ी का? अभी जाता हूँ मैं। जाइए आप, इधर भी एक मास। ये अपॉइंटमेंट है, 9:30 to 11:30 बजा दिया, साइकिल ने पड़े पड़े 2 रुपए का राउंड मार दिया। अच्छा बताओ मुझे किस काम में देर लगी? दिख नहीं रहा है क्या? बन छन कर आई हो, मेरे मुकाबले में रस्सी खड़ा करना चाहती हो? अरे नहीं बुद्धू मल, तुम्हारे लिए नौकरी तलाशती है। नौकरी? पगार कितनी है? 250 रुपए, यानी कि 250। ऐसा? चलो चल के यही खुशखबरी भैया और भाभी को सुनाए, वो मेरे को इंदौर भेजना मांगते 40 रोज के वास्ते। इंदौर? हाँ, भाभी के सगे वालों में शादी है, मैं क्या करूँगा जाके? शराब तो यहाँ पे भी छूट सकती है। तो उन्होंने ठीक सोचा, तुम्हें जाना ही चाहिए, बाहर रहोगे आदत छूट जाएगी। तुम्हारी हेल्प से यहाँ छूट सकती है, मुझे तिनके का सहारा मिल जाए तो मैं तूफानों का मुंह फिरा के रख दूँ, तुम समझती क्या हो? नहीं नहीं, तुम्हें इंदौर जाना ही पड़ेगा। ओहो, अपनी फैमिली में यही एक कमजोरी है, जहाँ औरत ने जिद की और दोनों भाई गए काम से। फिर छोड़ो, नौकरी काहे की है? तुम आओगे तो फिर बताऊंगी। अरे रे, साइकिल का मीटर चल रहा है, चलानी आती है? अरे वाह, साइकिल चलाने में मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? एक ही राउंड में हिंदुस्तान के सब शहर घुमा दूं, वो ड्राइवर हूँ। बच्चे बलम चल के रास्ता है मुश्किल, मोहब्बत के बाजार का
बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिन मोहब्बत के बाजार में। कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिन मोहब्बत के बाजार में। कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। मदहोश गलियां है उल्फत की रंगीन कलियां। ये दिल्ली की मदहोश गलियां है उल्फत की रंगीन कलियां। यहाँ तो मिलेंगे हजारों ही जलवे मोहब्बत के दरबार में। बच्चे बलम चल के रखता है मुश्किल मोहब्बत के बाजार का। कभी भूल लोगे तुम ये हम है अजब राज इस प्यार का। ये हसी ताज जमुना किनारा बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिन मोहब्बत के बाजार में। कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। सड़क कलकत्ते की सुनो बात तुम एक पते की। ये उजली सड़क कलकत्ते की सुनो बात तुम एक पते की। यहाँ हर कदम पर मचलते हैं जादू हसीनों के बाजार में। बच्चे बलम चल के रास्ता है मुश्किल मोहब्बत बाजार का। कभी भूलोगे तुम कभी भूलेंगे हम है जब राज इस प्यार का। हाय बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिन मोहब्बत के बाजार में। कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। अभी तक पैकिंग कर रही हो, देर हो गई तो। मनोहर क्या करते हो, समझते नहीं? चंद्रा आई है, दो मिनट बात तो कर लेने दो। चंद्रा आई है? बताओ ना डब्बे में क्या है। पहले वचन दो। नहीं देता, जाओ। मैं समझ गया, जूते हैं।
तो शादी के बाद मिलेगा। अच्छा बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। बस अब बताओ, आंखें बंद करो। ये देखो। ये तो स्वेटर है और वो भी गर्म। अब तुम तो जानते हो कि मेरा दिमाग भी गर्म है। ढाई दिन पसलियाँ है, हवा लग गई तो रोती रहूंगी, हमेशा पहनना है। जब इतना ही ऊन खराब करना था तो तीन चार बना लिए होते, बच्चों के काम आते। क्या मतलब? किसके बच्चे? समझ जाओ ना, 6-7 साल का टाइम बातों में कवर किया है। अरे वो अच्छा अच्छा मनोहर, इंदौर जाकर मुझे लेटर जरूर लिखना। बाय बाय। क्यों मैं उर्दू कैसे हमेशा गलत टाइम पे आता हूँ? अरे भाई, जब घर वाले आ गए हैं तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस क्यों न कर ले। भाभी, अरे तुम खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो? जाओ ना, ओ, काम करो। अब मैं ही आदमी ऐसा हूँ इस घर में जो फालतू है? इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती है ना चंद्रा। भाभी जरा उनका ख्याल रखना। अच्छा जी, अब ख्याल रखना भी तुम सिखाओगी? मनोहर ने कभी शिकायत की तो कान पकड़ूंगी, याद रखना। गड़बड़ होती क्यों? क्यों बे, मैंने छोड़ी और तूने चालू कर दी? नहीं, वो तो शंकर ने भेजी है, कहता था आखिरी है, देखने को नहीं मिलेगी। जा चल, जाके वापस चल। क्या जा, और तो गाली भी दे देना ऊपर से मेरी तरफ से, जो तेरे मुंह में आए वो। चल चल जी जी। अरे मुझे बाबू जी देखेंगे तो हो जाएगी। एक काम कर, मेरा बिस्तर है मेरा से, मैं कल्याण स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। रख। जो मैं मुंडू के बच्चे क्या कर रहा है? अभी तक बिस्तर नहीं बांधा। चल चल, बिस्तर बांध, पहुंचता हूँ। मैं फराम कहीं का, जल्दी कर। कोई लीटर वीटर पका गया होगा, छोड़ छोड़ चिल्ला रहे हैं। ए भाई, शराब छोड़ते छोड़ते भी किसी का सर फोड़ा था क्या? क्या बकते हैं ये लोग? चंदा बंदा मांग रहे होंगे, अपने लिए पकड़ा गए थे क्या? अपन क्यों दे? मैं अभी आया हूँ। अरे मनोहर, जाने दो इसे, कोई और बात करनी है। किससे? अच्छा सोचो तो, किससे? अब 8-10 साल पुरानी बातें हमें कैसे याद है? छोड़ो जी, किसी के कहने से याद आया तो क्या? एक बात भी करना कर ली सर, मुझे गाड़ी पकड़ने की है। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या चालू है? एक कोई लुढ़क गया है क्या? मनोहर मनोहर, कौन है भाई? ये डबल आवाज कौन देता है? अच्छा तुम गए नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल आ गया है। यानी कि लाइफ एंड डेथ का, ये तो पैदा हुए तब से चालू है। अरे परसों से गवर्नमेंट दारू बंद करती है, तेरे को मालूम है क्या? अरे तुम जैसा हलकट लोगों ने पीना चालू कर दिया तो बंद नहीं करेगी क्या? तो चलो आज इतनी पिए कि फिर कभी पीना ही नहीं पड़े। अरे मगर मुझे 7 बजे की गाड़ी पकड़ने की है और मैं चंद्रा से नहीं पीने का प्रॉमिस कर चुका हूँ, तो सेफ्टी के वास्ते लेके जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ फिर पीने नहीं मिलेगी। कौन कहता है नहीं मिलेगी? परसों से यहाँ दूध और अंदर के कमरे में 40 घर की बनी हुई शराब बिकेगी। आप लोगों की सेवा करना अपना धर्म है। अच्छी बनाना भाई, ऐसा नहीं हो किसी को लमलेट कर दे। अरे भाई, अच्छी सुनी खराब सुनी, जैसे भाई खराब सुनी क्या कर पीले मनोहर? ये जाति बाहर के मेरे अच्छी बात है, पीता हूँ लेकिन मुझे 7 बजे कितने बजे? नहीं आया नाला, चलो सीधे स्टेशन पे पहुंच गए होंगे। स्टेशन पर? तो उसकी मरम्मत स्टेशन पर ही बनाऊंगा।
डर इस जहान से, ये दम जवानी डाल करे आएंगे फिर कहा, ये दम जवानी डाल करे आएंगे फिर कहा। ऐ दिल को न डर इस जहान से, ऐ दिल को न डर इस जहान से। दरवाजा खुला भूल गया होगा भाई। बहुत अच्छे, अरे वाह मुंडू के बेटा, क्यों भाई के जाते बिल्डिंग का धनी बन गया? क्यों भाई? मुंडो मुंडो पुलिस के हो गया दिखता है तो चलती है, रास्ता भी है, समझ गया। सपने में कोई छोकरी से आग लड़ाता होगा क्यों बेटा? समझ गया, छोकरी खिड़की में से खसक गई है ना मुंडू, ये भी भाग गया। क्यों बेटा, छोकरी को पिटवा दिया ना उसकी माँ से, मैं तुझे पिटूंगा। क्यों बेटा? हाँ मैं, हाँ 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 मियाँ, क्यों? सपने में छोकरी लोग से आग लड़ाता है, बड़े भाई का रिकॉर्ड खराब करता है, क्यों? कौन थी वो छोकरी? कहीं मेरे दोस्त का घर नहीं हो? कौन छोकरी? कैसी छोकरी? कैसी छोकरी? हाथला हाथला हाथला, मुझे नहीं मालूम कौन छोकरी, नहीं मालूम नहीं मालूम। तो फिर मैं सपने में जाके खुद पता लगाता हूँ, मेरा बिस्तर ठीक उसी जगह पर लगा, वहीं सर होने चाहिए और वहीं पाँव, समझ गया? बिस्तर तो आपका गया ना गाड़ी में। अच्छा तो फिर मैं तेरे को नहीं बोला था क्या उसके अंदर बाटली रखने को? अब ये फोकट में 50 का माल पी गई ना जमीन। टाइम किधर था? टाइम नहीं था। फिर झूठ क्यों बेटा? फिर झूठ? टाइम नहीं था तो घड़ियाल कैसे चालू थी है? अब भाई साहब के सामने कैसे रखता? भाई साहब के सामने नहीं रखता, चल अभी रख, अभी तो भाई साहब नहीं है ना, मेरे को सोने का है। अरे सो जाओ ना बाबा, सो जाओ। अबे नशे में सो गया तो वो इतनी होशियार छोकरी चंद्रा सपने में एंटर होके मुझसे पूछेगी नहीं क्या? तुमने शराब क्यों पी? क्यों पी मनोहर तुमने शराब? अबे ये तो मुंडू का बच्चा है, चल चल जल्दी से बाटली लेकर आ, मुझे नशा उतार कर सोने का है। पीने से और चढ़ेगा उतरेगा कैसे? अबे मुझे सबक पढ़ाता है, संस्कृत नहीं पढ़ी है क्या? कंटकम नहीं वो कंटका, यानी कांटे को कांटा निकालता है, तो क्या दारू को दारू नहीं निकालेगी? अच्छा बाबा लेके आता हूँ, लाओ पैसे। अच्छा तो मैं तेरे को क्या कैश पैसे दूंगा क्या? तो फिर उधार कौन देगा? अबे उधार के बच्चे, ये तू 75 रुपए की घड़ियाल बेच के नहीं ला सकता है क्या? टाइम कैसे देखेंगे? टाइम तो जब तक दुनिया में घड़ियाल नहीं आई थी तो क्या लोग बेटेम कारोबार करते थे? टाइम बेचूंगा तो बाबूजी मारेंगे मुझको। टाइम नहीं, टाइम पीस बेचेगा तो मारेंगे, और नहीं बेचेगा तो मैं छोड़ दूंगा क्या तेरे को? ओहो अभी सर पकड़ता है, पहले आवाज में घड़ियाल पकड़ लिया होता तो ये बात तो नहीं आती ना, ना मैं तुझे मारता ना मेरा हाथ दुखता। ग्लोरी क्या इंदौर? कौन मनोहर? तो तुमको ड्रीम आता है क्या उसका? हाँ हमको ड्रीम आता है। घड़ी खाला मंडो जी, अपन लोग दुनिया में किस लिए आए हैं? जी मैं तो खाना ही बनाने को आया हूँ, और आप किस लिए आए हैं ये तो आपको भी मालूम नहीं? अबे इतना तो मालूम है ना तुझे कि हम लोग बैठने के लिए नहीं आए? जी मालूम है। तो फिर ये सोफा सेट क्यों रखा है इधर हमारी आदत बिगाड़ने के लिए? सोफा सेट लेके जाऊंगा तो बिल्डिंग वाले पूछेंगे नहीं? पॉलिश करने को लेके जाता हूँ तू नहीं बोल सकता है क्या? अबे लोग कोर्ट में झूठ बोल देते हैं, तू बिल्डिंग में नहीं बोल सकता है? चल जल्दी से बोतल बना इसकी। जी बनाता हूँ। चल जल्दी से पार्टी वाले लेकर आ। लेटर किसको? मनोहर को। क्यों? डैडी मान गए फिर तो शादी। He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, hip 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 hooray!
पीछा पीछा गजेरा कुत्ता हुआ गजेरा कैसे सारी बात अब घर जाने दे अब घर जाने दे इसमें तो माल मुंडू अबे मुंडू का बच्चे जी जी ये पोस्ट ऑफिस में कितना माल होएगा लेकिन इसमें तो बाबा अपनी बंदूक के लिए पैसा जमा करता है बंदूक के लिए अबे किसी को गोली वोली मार देगा तो भैया के ऊपर लफड़ा नहीं होगा क्या चल होएगा इसके और इसके दोनों के रास्ते कर और बाटली बना के ला जल्दी से चल जी चलो मंडल जी गाड़ी वापस थोड़ी देर वापरने के बाद वापरने के बाद लेके जाना वो गाना कौन सा गाना था मैं अभी कौन सा पिका 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 कजेरा ताल दे ना ताल दे पिका पिका कजेरा टूटा हुआ गजेरा कह देगा सारी डांस कर तू डांस झुकी प्यार की नजर देखे उन्हें दिल में झूम कर गोदी जरा देख लो इधर आज हमें मिल गई खबर गोदी जरा देख लो इधर आज हमें मिल गई खबर शाबाश जी तेरे तेरी पगार 10 रुपए और बढ़ा दी हमने जा तू भी क्या याद करेगा
और भैया भी क्या याद करेंगे, आते ही देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हैं ये मकान का हुक्मदार पा इतना बड़ा कैसे हो गया। अरे छोड़िए, घर में रह क्या गया है बेचने को, क्या बेचेंगे आप? मुंडू जी, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, समझा? जी समझा, लाइए बना के लाऊं बाटली इसकी। ना लाए, इसको तू नहीं मैं खुद बेचूंगा, इसलिए कि इसकी कीमत मेरी ही तरह चोट खाया हुआ आशिक दे सकता है, समझा ना? जी। तो तुझे नहीं मिलेगा वो, ये ले इसको बांध दे जल्दी से काम में। मनोहर, मनोहर, ये नाची पेट की तरफ पड़े मारो रेल लगना मटर देर कर रहे हैं। क्या कहा? ये नाची पेट के पड़े तोड़ रहे, छोड़ो जी छोड़ो। क्या बकते हो, कहीं तुमने भी तो नहीं रखी? ये नाची पेट की तरफ तोड़ रहे हैं, आम लगना मटर से। अच्छा तो तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। मनोहर सच बताओ, तुम इंदौर गए थे या नहीं? हम मनोहर इले हम रंगा स्वामी सीरी गणेश से ना, चार बच्चों का बाबूजी पहचानते नहीं। मैडम काय को गले पड़ती हो? अच्छा तो तुम मुझे नहीं पहचानते? इले अम्मा इले, वही नहीं भाई जानता जी। करेक्ट यू आर राइट सर, हम हिंदी नहीं जानता जी। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये भी मालूम है कि इस डिब्बे में क्या है। ये डब्बे का अंदर है पानिया ने स्वेटर, जी 27 रुपए करापट मार्केट नवा खरीदा। आइयो अम्मा गले पड़ते। ये सब सामान कहाँ गया? जी बाबूजी गए ना इंदौर। बाबूजी इंदौर गए तो क्या सामान भी ले गए? ये सोफा, ये कालीन, ये सब कहाँ गया? जी वो कालीन मैं पॉलिश करने को देके आया नीचे। समझ गई, कहाँ है वो खुद? जी वो मनोहर बाबू वो भी इंदौर गए। इंदौर गए, और ये शराब की बोतलें तूने खाली की है। बराबर बराबर का बच्चा, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। मैं तो एकदम ठीक हूँ, अभी सीधा इंदौर से चला आ रहा हूँ, देखती नहीं हो मेरा। पिताजी ठीक ही कहते थे, तुम शराबी दगाबाज और छूटे हो। जिस भाई ने तुम्हें बच्चों की तरह पाला पोसा, तुमने उसे घर की सफाई कर दी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने गिरे हुए हो। लेकिन अब तो मालूम हो गया ना, तुम ही कहती थी कि चोर को माल दोगे तो उसमें शराफत आ जाएगी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इधर शराफत का चांस कम थी है, समझ गई ना? लेकिन तुम नहीं मानी। खैर छोड़ो, अब भी टाइम है। मनोहर, मनोहर, मनोहरा, ओ मनोहरा। बस लाला अपनी शरत खलास हो गए, बहुत दिन ले दुनिया। मनोहर नहीं आया? आता है कुर्बान, अभी आता है। क्या हुआ? खुदा खबर क्या हुआ, किसने मारा है क्या? बहुत बड़े मवाली ने मारा। कौन है वो? शराब कार्ड भी हो, शराब बड़ी बेवफा निकली। मनोहर कितने प्यार से मुंह लगाया था, साली मेरे को काट गई, मेरे को मुल्क नहीं जाने दिया, मेरी माँ को एक पैसा नहीं भेजने दिया। जी चाहता है शराब की जी भर के गालियां दूं। बस यार बहुत चल लिया इस दुनिया में, अब अपनी कहानी खलास। घबरा मत शंकर, मेरा दिल कहता है तू अच्छा हो जाएगा। सुन तू आज से शराब छोड़ दे, गरीब आदमी तो जिगर का खून पी ले पर दारू का हाथ न लगा। मैं जरा सोऊंगा, लेटूंगा यार। शंकर, शंकर मेरी अभी ऊपर जाके बोलेगी शराबी से पीछा छुड़ा के आई। शंकर तू चला गया, कमाल किया यार,
हर काम में जल्दी करता था, मरने में भी जल्दी कर गया। अब क्या है, हटो ना, तमाशा तो खत्म हो गया। जिंदगी में तो तुम लोग इसे बिल्डिंग ठहकलते थे, मरने के बाद किस कितना उपसार हो गए हो। बेचारे ने कभी चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी की माँ बहन को बुरी नजर से नहीं देखा, फिर भी सब लोग चिल्लाते हैं शंकर को निकालो, शंकर को निकालो। कुत्ते एक साथ भौंके तो फकीर भी अपना रास्ता बदल देता है, ये बेचारा भी चला गया। अब खड़े में मुंह क्या देख रहे हो, भाड़े वाले से मिलकर खोली में कब्जा करूंगा। मनोहर तुम अभी तक गई हो? देख लिया ना शराबी का अंजाम, भगवान के लिए अब तो शराब छोड़ दो। चली जाओ, मैं कहता हूँ। बाहर वाला, तुम फिर से सांप के लिए सोडा लाया? हम तेरे को जान से मारेंगे, वल्ला। तुम फिर बाकी शुरू किया साइमन, तुम मेरे को झूठा प्रॉमिस दिया। डार्लिंग, हम अल्लाह को झूठा प्रॉमिस देगा पर तुमको कभी झूठा प्रॉमिस नहीं देगा। तुम मेरे को चीज करना मांगता साइमन, नहीं होगा आज, नहीं होगा आज। डार्लिंग बिलीव मी, आज हम जरा फ्राई मच्छी जास्ती खा लिया है, जरा थोड़ा सोडा पिया अच्छा लगता है। छह बाटली, तुम मेरे को फूल बनाता, फूल बनाता, जया क्यों नहीं हो बाटली, जया। इस्कंदर है, हमको बाटली मांगते साइमन, हम तोड़ेगा। तुम तोड़ेगा तो नुकसान होगा डार्लिंग, हम वापस कर देते हैं। मैं बोलती हूँ दे दो साइमन, आज हम खराबी करेंगे। खराबी करेगा तो हम पिएगा। तुम पिएगा? हाँ पिएगा, पिएगा। मेरे अंकी के सामने शंकर का माफी मरना मांगता? हाँ मरना मांगता है, तुमको जो करना कर लो। कर लो, जो कुछ करना मांगता कर लो, बोला करेगा, बोला करेगा, अभी करेगा, अभी करेगा। क्या कहा, नशाबंदी के बावजूद भी वो शराब पीता है, कौन है वो? मेरा हस्बैंड, चलो पकड़ो उसको। हस्बैंड क्या बोलता? हवलदार पकड़ो उसको, ये जेल जाना मांगता, दारू पीकर मेरा घर में नहीं मरना मांगता। रखो बेटी, औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। छह सात ये आठ, ये थोड़ी बोतल एक्साइड था। कहाँ है मनोहर? जी वो तीन चारों से नहीं आए, दूध पीने जाते हैं नाके वाली मिल्क बार पे। जहाँ अंदर शराब बिकती है, अभी पूछती हूँ। मेरे पास आना मांगता है क्या? ये दुनिया तेरे को अच्छी लगती, ये शराब मेरे को काट गई, तेरे को छोड़ेगी क्या? मैं कहता मत पी, ये जहर है, मेरा खून है। नहीं मैं नहीं पीऊंगा, ये जहर है, ये शंकर का खून है। तुम शंकर का खून पी रहा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। नमस्ते, नमस्ते।
पलट माचिस है क्या? सिगरेट सुलगाने का सिगरेट। चंद्रा। अरे तू मेरा नाम जानता है? तो जल्दी से टैक्सी मंगा, मेरे को हॉस्टल तक छोड़ दे। तूने दारू पी है क्या? कौन बोलता है? अरे वो तो कल की पी है, कल की। जो आज पी हो तो साकी हराम शय पी हो। अरे ये तो कल की पी हुई मैं का कुमार बाकी है। चंदा तुझे शर्म नहीं आई नलायक? ये तूने दारू पीने का चालू कर दिया। बोल, बोल। अरे अरे गला छोड़ के बात कर, गला छोड़ के बात कर। अपन रंग रूप है, वो अपना कैप्टन है, कैप्टन वो पीता है। अपने को उसके साथ रहना है, जीना है, मरना है, तो फिर हम क्यों नहीं पिएगा? तुझे शर्म नहीं आती? हिंदुस्तानी औरतों का शराब पीती है। मैं आज बंबई से दारू और दारू पीने वालों का खात्मा करूंगा। ये मर्द होकर औरत पर हाथ खाता, शर्म नहीं आती? अबे औरत अगर शराब पिएगी तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, समझा? छोड़। पुलिस पुलिस पुलिस। कौन मैं? क्या मांगता है? साबित करूंगा कि मुलजिम मुरली मनोहर एक नहायत ही खतरनाक किस्म का इंसान। ये एक ऐसा शराबी है जो नशाबंदी के पहले भी पीता था और नशाबंदी के बाद में भी पीता रहा। ऐसे ही लोग चोर डाकू और लुटेरे बनते। इस शख्स की आजादी हमारे मुल्क और शहर के लिए खतरे का बायस है। इसने दिन दहाड़े एक मासूम और शरीफ लड़की पर कातिलाना हमला किया, उसे जान से मार देना था। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक ये मौजूद है हमारे शहर की किसी लड़की की जिंदगी खतरे से खाली नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। अपना आदमी है। मिस्टर मेहता प्रोसीड विद एग्जामिनेशन प्लीज। हाँ तो मिस्टर मनोहर, तुम मिस चंद्रा कृपलानी को कब से जानते हो? पिछले जन्म से है, लेकिन इस जन्म में पहली मुलाकात 25 जनवरी यानी कि आजादी के एक दिन पहले हुई। तुमने शराब पीना कब शुरू किया? बीए पास करने के बाद बेकारी के जमाने में। यानी कि तुम बेकार थे और शराब पीते थे। शराब पीने के लिए पैसे कहाँ चाहते थे? हिंदुस्तान में लाखों आदमी बेकार है और फुटपाथ पर सोते हैं। उनसे कभी पूछा कि खाना कहाँ से खाते हो? क्या बात करते हो? मैं पूछ रहा हूँ शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आते? असली प्रॉब्लम फिर गोल कर गए। खैर कोई नई बात नहीं, पैसे मैं भाभी से लिया करता था। बिल्कुल छू। तुम शराब पीने के लिए अपने घर में चोरी किया करते थे, यहाँ तक कि तुमने अपने भाई के घर का सारा सामान बेचा। अरे अपने घर का सामान बेचा ना, आपके घर का तो नहीं ना, और उसमें होगा भी क्या? मोहम्मद भाई ऑब्जेक्शन लो ना। अजीब नरम वकीले। खैर कोई बात नहीं हुजूर, मैं पैसे भाभी से नौकरी के लिए लेता था और नौकरी नहीं मिलती थी तो शराब पी जाता था। अब तो आप खुश है ना? तो तुम नौकरी मिलने के बावजूद भी पीते रहे? क्या करता, आदत पड़ चुकी थी। फिर तुम चंद्रा से मोहब्बत करने लगे? करने लगा, इससे आपको क्या है ऑब्जेक्शन? और जब चंद्रा और उसके पिताजी को तुम्हारी मुजरिमाना हरकतों का पता चला तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। फिर तुमने इंतकाम की आग में जलकर शराब के नशे में चंद्रा देवी को जान से मार देना चाहा। और जब पुलिस पहुंची तो तुम भाग खड़े हुए और अपने शराबी साथियों की मदद लेना चाहा। आप फेरे तो सही, फ्रंटियर मेल की तरह भागे क्या चले जाओ? जवाब दो या नहीं। मोहम्मद भाई ऑब्जेक्शन लेना, क्या मालगाड़ी की तरह स्टेशन में खड़े रह जाते हो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अब आया गेर में। मिलॉर्ड
मुलजिम ने चंद्रा देवी पर हाथ जरूर उठाया, लेकिन ना तो उस वक्त ये इंतकाम की आग में चल रहा था और ना ही नशे में था और ना ही इसने किसी से मदद लेना चाहिए। जैक्सन अफेल्ड, थैंक यू मीरा। क्या तुमने चंद्रा देवी पर कातलाना हमला किया? कोई भी औरत अगर दारू पिएगी तो मैं उसको मार सकता हूँ, क्यों माची साला? कोई भी औरत? हाँ हाँ। तो तुम्हारा मतलब है कि कोई भी औरत अगर शराब पिए तो तुम उसे मारोगे? बिल्कुल, औरत इंडियन होना चाहिए, यूरोपियन नहीं। नोट किया जाए योर ऑनर, किसी पर हाथ उठाना जुर्म और मुलजिम इस बात का इकरार कर रहा। दैट्स ऑल, विटनेस इज योर। प्रोसीड प्लीज। मिस्टर मनोहर, जिस रात ये झगड़ा हुआ उस वक्त आप कहाँ से आ रहे थे? मिल्क बार से। मैं पीने गया था लेकिन पी नहीं। क्यों नहीं पी? इसलिए कि मुझे शराब से नफरत हो गई थी, इसने मेरा घर बेच डाला, भैया भाभी को मुझसे जुदा कर दिया, चंद्रा का दिल तोड़ दिया और फिर शराब में मुझे शंकर की तस्वीर नजर आई। शंकर कौन? मेरा जिगरी दोस्त जिसे शराब ने मार डाला। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब मैं शराब खाने से बाहर आया तो मैंने देखा कि चंद्रा ने शराब पी रखी है, मैं उसे मारने लगा। लेकिन इसके बाद आप भागे क्यों? मैंने सोचा सब शराबियों और शराब बेचने वालों को पुलिस के हवाले कर दूं, नहीं तो ये सब शंकर की तरह मर जाएंगे और चंद्रा भी मर जाएगी, इसलिए मैंने सबको गिरफ्तार करवा दिया। नोट कीजिए मेरा, मुंशी ने अपनी जान खतरे में डालकर गवर्नमेंट की मदद की। इससे साफ जाहिर है कि मिस्टर मनोहर लाल एक निहायत ही ऊंचे किरदार के इंसान है। अब मैं मिस चंद्रा से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी कहूंगी धर्म से सच कहूंगी। मिस चंद्रा, क्या आप मिस्टर मनोहर से मोहब्बत करती हैं? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि मिस्टर मनोहर शराब पीते थे, आप उनसे मोहब्बत करती रही? औरत का फर्ज है मर्द को सही रास्ते पर लाना, ना कि उसको छोड़ देना। जिस दिन ये झगड़ा हुआ क्या उस दिन आपने शराब पी हुई थी? नहीं, ये सोचते हुए कि मनोहर शराब से नफरत करने लगे मैंने एक शराबी की एक्टिंग की थी। अरे तेरे की, हमारे बिल्लियों हमें से ही मियाओ। मी लॉर्ड, जहाँ गवर्नमेंट फेल हो जाए वहाँ औरत चाहे तो कामयाब हो सकती है। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि मनोहर पर ये केस क्यों चलाया जा रहा है। मनोहर अब शराब छोड़ चुका है, लेकिन जब मनोहर ने मुझ पर हाथ उठाया तो वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा था। मिलर, मुझे अब गवाह से और कोई सवाल नहीं करना है। विटनेस इज योर्स। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। क्योंकि मिस्टर मनोहर अब शराब छोड़ चुका है और उसने अपनी जान पर खेलकर कानून की मदद की है, इसलिए कोर्ट मिस्टर मनोहर को बाइज्जत बरी करती है। भाइयों, बहनों और माइयों, घर वाली को छोड़ के जब से मैंने शराब छोड़ी है मैं हर एक को अच्छा लगने लगा हूँ। क्यों है ना? और मुझे हर एक अच्छा लगने लगा है। हर शराब पीने वाला ये समझता है कि वो शराब को पीता है, लेकिन मुरली मनोहर का तजुर्बा बोलता है कि शराब उसको पीती है। लिहाजा भाइयों, अगर आप पीना ही चाहते हैं तो दही दूध रबड़ी लस्सी पीजिए और शराब से खोई सेहत को वापस लीजिए। अब वादा कीजिए कि आप शराब को कभी मुंह से नहीं लगाएंगे। शराब को मुझे मत लगाओ। शराब को मुझे मत लगाओ। यानी कि शराब को छोड़ दो, बाटली को तोड़ दो और पीने वाले के सर को फोड़ दो। नहीं, पीने वाले के सर को फोड़ने का नहीं, वो तो खुद ही जाके फोड़ेगा, दीवार से टकराएगा या गटर में गिरेगा जाके। क्यों? अच्छा जी, जाने से पहले एक बार सब मिलके गा लीजिए। क्या है वो गाने का बोल? मुंह से मत लगा, मुंह से मत लगा चीज है बुरी, मुंह से मत लगा चीज है बुरी, गाइए ना। याद नहीं आपको? अच्छा रिकॉर्ड लगाते, रिकॉर्ड लगाओ। मुंह से मत लगा चीज है बुरी, देख बच जरा चीज है बुरी।